है एवरीवन, वेलकम बैक टू बबल टेल्स। चलिए आज के अमेजिंग वीडियो के सफर पर। आज जो मैं स्टोरी आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है लेट मी स्पॉइल यू लिटल। ये स्टोरी जहानी स्टोरी है और ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर्ड है। एक बहुत ही बेहतरीन लाविश क्लब में पार्टी चल रही थी, बहुत ही हाई सोसाइटी के लोगों की। यहाँ पर बहुत सारे नए एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी थे जो अपनी किस्मत आजमाने बीजिंग में आए हुए थे। वैसे तो इस पार्टी के गेस्ट अलग ही होते हैं, लेकिन ऐसे लड़कों को यहाँ पर हायर किया जाता है लड़के और लड़कियों को क्राउड बढ़ाने के लिए। वैसे भी ये सभी लोग काफ़ी सुंदर होते हैं और अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के लिए ये ऐसी पार्टीज़ में जी हुजूरी करते रहते हैं। अगर उन्हें किसी का कांटेक्ट मिल गया जिसके ज़रिए उनका सी एंटरटेनमेंट में कोई सिक्का चल गया, कोई चांस मिल गया, तो फिर तो उनकी लाइफ सेट है। यही सोचकर यहाँ पर नए लड़के लड़कियाँ आते रहते हैं, पर पार्टी के जो होस्ट और उनके गेस्ट रहते हैं वो अलग ही नामचीन लोग रहते हैं। उन्हें इन नए लोगों से कुछ लेना देना नहीं होता, वो उनके लिए बस फ्लिंग्स होते हैं, वन नाइट स्टैंड्स के लिए। और हाँ, अगर किसी को कोई पसंद आ गया तो वो उसके लिए कोई ना कोई फेवर कर देगा। वैसे बड़े लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे कितने सारे लोग कीड़े मकोड़ों के जैसे सिटी में आते रहते हैं, सपने देखते हैं, कोशिशें करते हैं, कभी जीत जाते हैं, कभी हार कर लौट जाते हैं। इनकी लाइफस्टाइल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी अगर किसी के लिए उन्हें फील होता है तो वो उस पर एक छोटा सा फेवर कर देते हैं जो सामने वाले के लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ये दुनिया, ये सोसाइटी पावर पे चलती है। जिसके पास पावर है वही यहाँ का किंग है, और ऐसा ही एक किंग है हमारा सीएन, जो सीएन एंटरटेनमेंट का सीईओ है। ऑन भी करता है उसे, लेकिन सीईओ की पोस्ट भी संभालता है, जो ऐसे नए लड़के और लड़कियों के लिए किसी गॉड से कम नहीं है। वो मरते हैं इसकी एक नज़र के लिए, इस चीज़ के लिए कि सीएन किस तरह से उन्हें नोटिस कर ले। और यही वजह थी कि ये जो न्यू कॉमर्स हैं ये सिटी में आते ही इस क्लब का रास्ता सबसे पहले ढूंढा करते थे। जिसे सबसे जल्दी मिल गया वो जल्दी आगे बढ़ पाता था, क्योंकि ये क्लब सीएन का फेवरेट था, उसी के दोस्त का ही तो था। ऊपर से सीएन हमेशा यहाँ आता जाता रहता था और उसे पर्सनली मिलने का ये एक बहुत अच्छा मौका था, यहाँ तक कि उसके बिस्तर तक पहुँचने का भी। वैसे सीएन को इन सब बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अगर कभी उसका मन हुआ तो वो किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर भी ले, पर वो अपने उसूलों का बड़ा पक्का था, कोई भी उसे अपनी बात मनवा नहीं सकता था। यूँ कहो तो बेहतर रहेगा कि सी एंटरटेनमेंट में उसका सिक्का चलता था। जो भी लोग थे, या तो उसके दोस्त थे या वो खुद, इस शोबिज इंडस्ट्री का जितना नॉलेज उसे था उतना शायद ही किसी को होगा। ऐसा नहीं था कि सीएन ये सब प्रॉफिट के लिए करता था, वो कभी कभार कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी करता था जो बस फेवरिज्म के बेस पे होते थे, उसके पसंदीदा लोगों को लॉन्च करने के लिए या फिर उनके करियर संवारने के लिए। ऐसे भी वो कई सारे प्रोजेक्ट्स करता था, क्योंकि अब ये सब उसके लिए शोहरत या सक्सेस की चीज़ें बची नहीं थी, ये सब उसके लिए फ़न था, एंटरटेनमेंट था, नए लोगों को लॉन्च करना, उन्हें सक्सेसफुल बनाना, उन्हें आगे भागने में हेल्प करना। और फिर वो उन्हें छोड़ देता था, किसी नए बंदे को पकड़ता था, उसे सक्सेसफुल करता था। ऐसे ही सीएन का एक काफ़ी पुराना दोस्त आज बहुत सक्सेसफुल हो चुका था, अयोंगा एक बहुत बड़ा स्टार बन चुका था, इतना बड़ा कि आजकल उसके पास सीएन के लिए भी टाइम नहीं होता था, वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हमेशा बिजी रहता था। एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे के बगैर खाना भी नहीं खाते थे। हाँ, उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि दोनों भी चाहे कितने भी प्रोजेक्ट क्यों ना हो, कितने भी बिजी क्यों ना हो,
आपस में बातें ज़रूर किया करते थे। उनके कम्युनिकेशन में, उनकी दोस्ती में कोई भी दरार नहीं थी। पर अब अयंका का काम बढ़ने लगा। वैसे इस सब के पीछे सेन का ही हाथ था। वो चाहता था अयंका एक इंटरनेशनल स्टार बने। इसी वजह से अयंका दिन रात मेहनत करता था, क्योंकि वो सेन को नाराज़ नहीं करना चाहता था। सेन को उससे जितनी उम्मीदें हैं, वो उन सब पर खरा उतरना चाहता था। इसीलिए वो एक साथ चार चार प्रोजेक्ट कर रहा था। सबके लिए टाइम निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, और इस सब को संभालते हुए सेन के लिए टाइम निकालना। सेन उसकी सारी परेशानी देख रहा था। फिर उसने खुद ही अयंका से ज़्यादा होप्स छोड़ दिए, क्योंकि अयंका से सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा था, उसकी फैमिली भी थी। ऐसे में वो सेन के लिए ज़्यादा वक्त निकाले या फिर सेन के सपनों को पूरा करने के लिए जिए, ये सेन को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने खुशी खुशी अयंका से अपने कुछ रिश्ते तोड़ दिए कि चलो उसे अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। पर अब सेन की लाइफ में काफ़ी अकेलापन आ गया था। हाँ, उसके दोस्त थे, बहुत सारे थे, जो उसे हमेशा कोई ना कोई फेवर चाहते थे। कुछ सच्चे दोस्त भी थे जो एक कॉल पर उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी आ सकते थे। वो बातें करते थे या फिर प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते थे। लेकिन इन सब के बीच में जो जगह अयंका ने खाली की थी, वो भरने के लिए कोई भी नहीं था। उनका रिश्ता शायद से कभी फिजिकल नहीं था, बट उसे एक मेंटल पीस देता था। अयंका के साथ दो पल बातें करने के बाद भी जो सुकून सेन को मिलता था, अब वो उसे मिस करने लगा था। हाँ, ऐसा नहीं था कि सेन इन सब चीज़ों के पीछे भागे। वो काफ़ी स्ट्रांग है, ड्रीम मेकर है, कई लोगों के सपने जिंदगियां बनाता है, बिगाड़ भी सकता है। बट अभी के लिए तो वो नेचर से काफ़ी कूल है, ऐसा नहीं कि इनोसेंट है। हाँ, उसने भी इस दुनिया में, इस सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए कभी गलत डिसीजंस ले लिए होंगे, बट ज़्यादातर टाइम वो अपनी जगह पर सही होता है। यही पॉलिटिक्स है। अपनी ज़िंदगी, अपनी जान बचाने के लिए कभी कभार कुछ चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। शायद से ये उन्हीं बातों का रिप्ले था कि सेन का बेस्ट फ्रेंड अब उसके साथ नहीं था। तो सेन ये खालीपन दूर करने के लिए इस क्लब में आजकल लगातार आने लगा था। लगभग डेली हर रात को वो यहाँ आता। साथ में उसके जान पहचान के बहुत सारे लोग हुआ करते, उसके दोस्त हुआ करते। हर रात किसी न किसी की पार्टी हुआ करती, जिसमें सेन का आना मैंडेटरी था। फिर कभी उसका मन होता तो वो किसी के साथ टाइम स्पेंड करता, अगर नहीं होता तो बस ड्रंक होके अपने घर वापस लौट जाता। ऐसे ही आज भी आया था। आज भी नए एक्टर्स के शोर शराबे को देख रहा था। आजकल के बच्चों में तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहले के लोग कैसे हुआ करते थे, एकदम ग्लासी। अगर उनसे दोस्ती है तो वो दोस्तों के लिए जान भी दे देंगे, और अगर दुश्मनी है तो उसे भी पूरी शिद्दत से निभाएंगे। पर आजकल के लड़के कैसे हैं, उन्हें जहाँ चांस मिला नहीं कि वो उसके सामने झुक जाएंगे। इन सब लोगों से सेन को काफ़ी चिढ़ हुआ करती थी। मॉरलिटी, वैल्यू नाम की चीज़ इन लोगों में बची ही नहीं है। कोई भी कभी अपनी ज़ुबान का पक्का नहीं होता, कोई सिंसियर बचा ही नहीं है, यही सेन सोचा करता। अभी भी वो उन सब लड़कों लड़कियों को देख रहा था जो कई सारे फैंसी छोटे छोटे कपड़े पहने हुए यहाँ वहाँ घूम रहे थे, किसी किसी पर्सन के साथ पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, किसी को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ ये सब बहुत नॉर्मल बात है, मतलब लोग खुलेआम सब कुछ कर सकते हैं, ये कल्चर ही ऐसा है। वो देख रहा था कई सारी लड़कियाँ, कई डायरेक्टर्स
एक्ट्रेस के आसपास घूम रही है। जो भी जाने माने लोग हैं वो लोग उनको इम्प्रोप्रिएट तरीके से छू रहे हैं, उनसे कुछ भी काम करवा रहे हैं, अपनी मनमानी करवा रहे हैं। फिर भी वो यंगस्टर्स ये सब बातें कर रहे हैं, कुछ मजाक मजाक में, कुछ एंजॉय कर रहे हैं, शायद से कुछ अपने दिल अपनी आत्मा को मार कर कर रहे हैं, बट कर रहे हैं। पर इन सब में एक ग्रुप ऐसा ही था जो बस पास के स्टेज पर नाच रहा था। शायद से वो लोग थोड़े बहुत डली लग रहे थे। सेन उन सब की तरफ देखने लगा। उनमें से एक लड़का काफ़ी अच्छे मूव्स कर रहा था। वाह, देखने में भी अच्छा था। सेन की नज़रें एक पल के लिए उस लड़के पर टिकी, फिर वो वापस से अपने ड्रिंक में बिजी हो गया। कुछ टाइम और बीत गया, अचानक से कोई सेन की गोद में आकर बैठ गया। लिटरली सेन ने इतनी परमिशन तो किसी को भी नहीं दी। वैसे भी सभी लोगों को पता है कि सेन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उसके साथ मस्ती बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि यहाँ आने का सबसे पहला एटिकेट यही है कि सेन को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेन अगर किसी को बुलाता है तब तक तो ठीक है, वरना तो उसे 5 फुट के दायरे में कोई भटकता तक नहीं है। सेन आराम से सोफा पर बैठे अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। फिर ये किसकी हिम्मत हुई, सेन सोचने लगा। उसके हाथ में जो वाइन का ग्लास था वो उस सामने वाले पर्सन पर फेंकने वाला था, पर तभी उसकी नज़र उस सामने वाले लड़के पर गई जिसकी आंखें लगभग आधी मूंदी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो नशे में है। हाँ, ये वही लड़का था जो अभी अभी डांस फ्लोर पर था, जिस पर सेन की नज़रें आकर रुकी थी। वो लड़का हंस रहा था, वो सच में नशे में था। उस लड़के ने अचानक से सेन के नेक में अपने हाथ डाले और उसे अपने करीब खींचा और फिर सेन को किस करने लगा नशे की हालत में, वो भी इतने मैसी तरीके से। इसको किस करना भी नहीं आता, सेन सोचने लगा। ये करीब 17-18 साल का लड़का होगा, बाकी यंगस्टर्स की तरह ये भी सिटी में किस्मत आजमाने आया होगा एक्टर या आइडल बनने के लिए। वैसे इसके मूव्स काफ़ी अच्छे हैं। सेन का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए उसे एक डांसर की ज़रूरत थी जो कॉलेज गोइंग लड़का है, तो ये लड़का उस चीज़ के लिए परफेक्ट है, यही सेन सोच रहा था। बट ये इतना एरोगेंट होगा, किसी के स्पेस में ऐसे ही घुसा चला आएगा। ये देखकर सेन के माथे की नस ठनक रही थी, पर ये ऐसे इनोसेंटली हंस रहा था, फिर अचानक से किस करने लगा। क्या ये इनका कोई गेम या फिर प्रैंक तो नहीं है, सेन एक पल के लिए सोचने लगा। वो लड़का फिर उन्हीं मूंदी हुई आंखों से सेन की तरफ भारी पलकों से देखने लगा। फिर उसने सेन के गालों पर हाथ रखा और कहा, मिस्टर सेन, ओ वाओ, आप तो पैसे और पैसा तो सुंदर लगते हैं, बट मुझे आप स्ट्रिक्ट ही पसंद हो। कोई नहीं, मुझे डेयर मिला था, मैंने कंप्लीट कर दिया। हैव अ गुड नाइट मिस्टर सेन, मैं चलता हूँ, कहते हुए वो सेन की गोद से उठ गया और फिर वहाँ से जाने लगा। सेन की नज़रें उसी लड़के पर थी। ये लड़का काफ़ी वेल बिल्ट लग रहा था, जैसा कि सेन को चाहिए था। उसकी आवाज़ भी अच्छी थी, बिल्कुल जेन्युइन। इतना नशे में होने के बावजूद भी वो स्विंग नहीं कर रहा था और उसने अपना डेयर कंप्लीट किया, ये तक नहीं सोचा कि वो मिस्टर सेन के करीब जा रहा है, जो चाहे तो उसे एक पल में इस सिटी से गायब करवा सकता है। सेन बस उस सामने वाले लड़के को देखे जा रहा था जो सामने वाले 2-4 लड़कों के ग्रुप में चला गया। फिर वो सब उसके लिए चेयर करने लगे क्योंकि इस लड़के ने अपना ड्रेयर कंप्लीट किया था। अब सेन काफ़ी टाइम तक उस लड़के को ऑब्जर्व करता रहा। उसे जब इन सब से कोई गलत इंटेंशंस या फिर
नेगेटिव वाइब्स नहीं मिले तो वो बस वहाँ से उठ खड़ा हुआ और फिर अपने घर के लिए निकल गया। ये किस्सा यही ख़त्म हुआ। आगे और कुछ दिन बीत गए, लगभग 1-1.5 महीना, और सेन रोज़ उस क्लब में जाता। वो लड़का कभी कभी उस क्लब में आता, सेन उसे ऑब्ज़र्व करता रहता। वो लड़का कभी वेटर का काम करता, कभी अपने दोस्तों के साथ चिल करने के लिए आता, पर उसने खुद से जाकर किसी भी पर्सन को अप्रोच नहीं किया था, किसी के साथ गलत हरकतें नहीं की थी। वो तो बस यहाँ मस्ती करते रहते हैं। शायद से यहाँ आने के लिए इन्हें पे कर दिया जाता होगा, बट ड्रिंक्स तो पेमेंट में शामिल नहीं होती। यहाँ पर ड्रंक होना है तो अपने पैसों से होना पड़ता है, जो कि ऐसे बंदे के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो फिर उस दिन जो उसने डेयर खेला था, वो ड्रंक हुआ था, उस चीज़ के लिए किसने पे किया, सेन यही सोच रहा था। बट उसने उस सामने वाले लड़के से कभी भी कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक कि वो लड़का तो सेन की तरफ देखता भी नहीं था। वो कई सारे लोगों से मिलता था, हाँ ज़रूर वो उनसे जान पहचान करने की कोशिश करता था, कभी भी कोई चीप हरकत नहीं करता था, बट ये सभी लोग उसे इग्नोर करते थे। पर उसके चेहरे पर की वो चाइल्ड लाइक स्माइल वो हमेशा बरकरार रहती। वो वापस से उत्साह से किसी और पर्सन को अप्रोच करता, उनसे बातें करता। उसके हाथ में कभी कभी फाइल भी हुआ करती, शायद से उसका पोर्टफोलियो होगा। सीएन इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी क्यूरियस था। इनफैक्ट उसे इस नए लड़के में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली उस लड़के ने कभी भी सेन को अप्रोच नहीं किया, शायद से उसे सेन हमेशा ही आउट ऑफ रीच लगता होगा। टाइम बीतता गया। एक दिन जब सेन एक मॉल में गया था, तब उसे वापस से वही लड़का दिखा। इस बार उसने डस्टबिन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और वो अपने एक हाथ पर हैंडस्टैंड कर रहा था, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला रहा था। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो इस डस्टबिन कॉस्ट्यूम में अनकंफर्टेबल है, वो तो लोगों से हंस हंस कर बातें कर रहा था। कुछ देर बाद सेन ने देखा उस लड़के ने एक बियर का कॉस्ट्यूम पहना है और वो यहाँ वहाँ लोगों के साथ छोटे मोटे प्रैंक कर रहा है, लोगों को हंसा रहा है। सेन को वापस से ये लड़का काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। वो चलते चलते रुक गया तो उसकी मैनेजर जो उसके पीछे चल रही थी, उसने अचानक से कहा, सर। हाँ, सेन ने चौंक कर पीछे देखा। मैनेजर ने कहा, क्या बात है, आप कुछ सोच रहे हो? कुछ नहीं, सेन ने कहा। मैनेजर ने कहा, सर मैं आपको काफ़ी टाइम से जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, क्या आप क्लियर करना चाहोगे? हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर दूँ। सेन ने कहा, ये लड़का कौन है? मैनेजर ने तुरंत अपने पास से आईपैड निकाला, उस पर कुछ सर्च किया और सेन के सामने पकड़ाते हुए बोली, ये लड़का ये फ्रेशर है, अभी अभी बीजिंग में आया है, कुल 3 महीने हो गए हैं और ये यहाँ वहाँ छोटे मोटे काम करता रहता है ताकि इसकी अर्निंग हो सके। एक्टर बनना चाहता है और अलग अलग लोगों को हमेशा अप्रोच करता रहता है। ये आयुंगा का बहुत बड़ा फ़ैन है, ऐसा लगता है कि ये सिटी में उसी से मिलने के लिए आया है, क्योंकि ये जब कहीं भी बोलता है आयुंगा का नाम हमेशा मेंशन करता है, वो उसे एक बार मिलना चाहता है। वन मोर थिंग, इसने कभी भी कास्टिंग काउच प्रेफर नहीं किया। ओह, सेन बस इतना बोला, फिर उस सामने वाले लड़के की तरफ देखने लगा जो अभी भी मुस्कुराते हुए उसी डस्टबिन कॉस्ट्यूम में अपने अलग अलग स्टंट दिखाया जा रहा था। सेन उस वक्त तो वहाँ से चला गया। फिर अगले दिन वो अपने ऑफिस में बैठा कुछ सोच रहा था। उसकी मैनेजर भी अपने रोज़मर्रा के कामों में लगी हुई थी। तभी अचानक से सेन ने अपने मैनेजर से कहा, मेरी सुनो। तो मैनेजर तुरंत सेन के करीब आ गई। सेन ने कहा, कल वो डस्टबिन बॉय देखा था ना, तो उसे मेरे ऑफिस में बुलाना। सर आप उसमें इंटरेस्टेड हो? मेरे ने पूछा।
शेर ने कहा, नहीं बट मुझे वो लड़का जेन्युइन लगा, ऐसे लड़के बहुत रेयर होते हैं, तो क्या पता हम उसकी कोई हेल्प कर दें। शेर ने इतना कहा और वो वापस से अपने काम में लग गया। उसके मैनेजर मैसेज बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी, तो उसने किसी तरह से वांग इबो का कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और फिर उसे कॉन्टैक्ट किया। उसे सेन एंटरटेनमेंट में बुलाया, जो उस लड़के के लिए ड्रीम क्रम ट्रू जैसा मोमेंट था। वो लड़का लगभग दौड़ता हुआ ही वहाँ पर पहुँचा और मिस्टर सेन के मैनेजर मेरी से मिलने की बात करने लगा। वैसे सेन एंटरटेनमेंट जिस कॉम्प्लेक्स में था वो काफ़ी भुलभुलैया जैसी इमारत थी, तो इस नए लड़के को वहाँ जाकर वहाँ सब कुछ ढूंढने में और मिस मैरी तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा, लगभग 2-3 घंटे। बट उसने किसी तरह से मैरी से मिल ही लिया उसी टाइम पर। ओह, बट उसे क्या पता था मैरी से मिलने के होड़ में उसने किसी को इग्नोर कर दिया है और वो पर्सन अभी काफ़ी हॉट लग रहा है। इधर ये लड़का जैसे तैसे कूदते फांदे मिस मैरी के सामने जाकर पहुंचा। उसने उसे बड़े ही आदर से 90 डिग्री झुककर बो किया और फिर मिस मैरी को अपने बारे में बताने लगा। मिस मैरी, जिसकी नज़रें एक पल के लिए सामने के सीसीटीवी कैमरा पर गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उल्टा उसने अपने लैपटॉप से किसी को वीडियो कॉल किया। ऑब्वियसली वो कोई उसका बॉस सेन ही था, जो अभी लाइव उस पर्सन को देख रहा था जिस पर कभी उसकी नज़रें थमी थी। वो लड़का अपने बारे में काफ़ी कुछ बता रहा था, ऐसी बातें जो उसके पोर्टफोलियो में मेंशन भी नहीं थी। इधर मिस मैरी उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, उसे तो ऐसा लग रहा था ये भी उसके बॉस का बस एक वन नाइट स्टैंड बनकर रह जाएगा। वैसे उसके बॉस की नज़रें अगर किसी पर आकर रुकती है तो इसका मतलब है उस बंदे की किस्मत ने उसकी सुन ली है, बॉस उसके लिए कोई ना कोई फेवर तो ज़रूर करेंगे। वैसे मिस मैरी का काम बढ़ने वाला था क्योंकि उसके बॉस एक नया कॉस्ट्यूम ड्रामा बनाने के बारे में सोच रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। दूसरी तरफ ये नया लड़का, इसकी चिकचिक अलग से सुननी पड़ेगी। बेहतर होता कि उसके बॉस ने इस लड़के को यूज़ एंड थ्रो कर दिया होता, बट ये यहाँ तक पहुँच गया है। इसका मतलब अगले कुछ दिन तक मिस मैरी को इस लड़के को झेलना होगा। ये सोचकर वो बस उसे हाँ हाँ करते हुए उसकी सारी बातें सुन रही थी। बाकी सारा काम तो उसे ये नहीं कर रहा था, वो बड़े गौर से उस लड़के को देख रहा था। अब अपने बारे में शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देकर और मिस मैरी को एम्प्रेस करने की जद्दोजहद करके वांगीपो वहाँ से चला गया। फिर मिस मैरी ने वो वीसी कट किया और फिर अपने बॉस से मिलने के लिए चली गई उसके ऑफिस में। इधर सेन अपने हाथ में कोई पेन घुमा रहा था, आंखों पर चश्मे लगाए हुए थे और वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मिस मैरी जैसे ही उसके ऑफिस में आई, सेन ने कहा, उसे कहना क्या वो असिस्टेंट डायरेक्टर बनेगा? हाँ, मिस मैरी ने चौंक कर कहा। हाँ, हमारे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ड्रामा में इसे मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर बना दो। मिस मैरी अपनी आंखें छोटी करते हुए सेन की तरफ देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, ये लड़का यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए तो नहीं आया था, और उसकी पर्सनैलिटी देखकर लग भी नहीं रहा था कि उसे इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया भी होगा। वो एक्टर बनना डिज़र्व करता है, उसमें क्वालिटीज़ है, बट ये उसके लक पर डिपेंड करता है कि वो कितना सक्सेसफुल होगा। हाँ, बस अगर उसे चांस मिल गया तो वो बहुत कुछ कर सकता है, ये आयुंगा से भी सक्सेसफुल हो सकता है। वैसे ये अकेला नहीं है जो इतना क्वालिफिकेशन रखता है, इतना टैलेंटेड है, पहले भी ऐसे बहुत आकर जा चुके हैं। सेन के साथ कुछ लोगों की बनी भी थी,
वो ज़्यादा देर तक चला नहीं। मिस मेरी को ये सब कुछ बहुत अच्छे से पता था, तो उसके लिए ये पर्सन ज़्यादा मैटर नहीं करता था। ठीक है, अगर उसके बॉस ने उसे कुछ काम दिया है तो वो ज़रूर करेगी। फिलहाल तो उसे इस लड़के को अप्रोच करना पड़ेगा। ये सोचकर मिस मेरी आगे के प्लान करने लगी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, सर आज आप क्लब नहीं जा रहे? से ने कहा, नहीं मुझे कुछ काम है। ओके, मिस मेरी ने ये नोट किया। फिर सेन से पूछा कि वो कहाँ जाने वाला है। फिर सेन जो अपने काम में बिजी था, उसने उस होटल का नाम लिया जहाँ पर वो आज जाने वाला था। शायद से उसकी किसी के साथ मीटिंग थी या फिर ये एक कैजुअल डिनर था। मिस मेरी ने ये भी नोट कर लिया और फिर वहाँ से चली गई। इधर सेन अपने काम खत्म करके उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गया जहाँ की उसे जाना था। वो अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में। अभी जो आइडिया उसके दिमाग में चल रहा था वो उस बारे में डिस्कस कर रहा था। वहाँ पर कोई राइटर भी था जो अपनी कहानी लेकर आया था। वो सभी लोग उस बारे में बातें कर रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर किसी ने आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी सर। और सेन ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, सामने वही लड़का वांगी पे खड़ा था। आज उसने अच्छे से फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में एक नोट पैड जैसा कुछ था और वो सामने वाले पर्सन से कह रहा था, मे आई जॉइन, मे आई नो यू, सामने वाले पर्सन ने कहा। तो इस लड़के ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा, सर मैं सेन एंटरटेनमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, मिस्टर सेन का। उस बंदे ने सेन की तरफ देखा भी नहीं और सेन बस आंखें छोटे करके उस लड़के की तरफ देख रहा था। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, सेन ने ये बात नोट की। तो फिर उसने कुछ नहीं कहा कि वो सेन के बगल में बैठ गया और उनकी बातें चलने लगी। कुछ देर बाद सेन के उस दोस्त और उस राइटर की बातें, काम और डिनर सब खत्म हो गया। तो उन दोनों ने सेन को अलविदा कहा और वहाँ से चलते बने। अब जाकर सेन ने अपने बगल के उस लड़के की तरफ देखा जो बड़ी ही स्मग स्माइल के साथ सेन की तरफ ही देख रहा था। सेन ने कहा, ओ तो मिस्टर असिस्टेंट डायरेक्टर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ से मिला? तो इवो ने अपने सामने के नोटपैड से एक लेटर दिखाते हुए कहा, मिस मेरी और उनके बॉस की तरफ से। ये कहते हुए उसके चेहरे पर स्मर्क थी। ये एटीट्यूड सेन को काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर वो ईवो से अब खुलकर बातें करने लगा। ईवो भी उसकी बातों का अच्छे से जवाब देने लगा। दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, एक कनेक्शन सा बन गया। दोनों के बीच की बातें काफ़ी इंटेलेक्चुअल थी, डायरेक्शन को लेकर थी, स्टोरीज को लेकर थी। बाकी न्यू कॉमर्स की तरह, यंगस्टर्स की तरह ये लड़का खुद को सेन के ऊपर झोंक नहीं रहा था। इनफैक्ट वो अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था। उसके पास काफ़ी तेज़ दिमाग था, वो टैलेंटेड था। और सेन को ये बात अच्छी लगी कि ये लड़का अभी भी अपने टैलेंट पर यकीन करता है। इसने हार नहीं मानी। एक मिडिल क्लास बॉय होते हुए भी पिछले 4 महीने से बीजिंग जैसी डिमांडिंग सिटी में सर्वाइव करना बिना किसी की हेल्प के अपने बलबूते पे, ये बहुत बड़ी बात थी। इस लड़के ने ना तो अपनी उम्मीद खोई थी, ना ही हौसले, ना ही वो कोई चीप हरकतें करता था। वो आज भी अपने टैलेंट पर यकीन रखता था। सेन ये सारी बातें ऑब्जर्व कर रहा था। फिलहाल तो उसने ईपो के साथ ये प्रोजेक्ट करने का तय किया, उसे अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बनाकर। सेन एंटरटेनमेंट के नए कॉस्ट्यूम ड्रामा का शूट शुरू होने में अभी कुछ टाइम था। सारी चीज़ें फाइनल स्टेज तक पहुंच गई थी। इस सब के बीच में कभी टेबल रीड होती थी, कभी कॉस्ट्यूम डिसाइडर होते थे, कभी प्रैक्टिस टेस्ट चलते थे, कभी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग होती थी, कभी रिहर्सल्स होते थे। इस सब के बीच में फांगीबो और मिस्टर सेन
हमेशा ही आपस में टकराते रहते थे। मिस्टर सेन साइलेंटली ईवो को ऑब्जर्व करते रहते थे। ईवो कितने डेडिकेशन से अपने सारे काम कर रहा है ये देख रहे थे, और उसी तरह से उनका इंटरेस्ट ईवो में बढ़ता जा रहा था। इधर ईवो भी मिस्टर सेन के बारे में हमेशा सोचता रहता था कि वो इतना क्या स्पेशल है जो मिस्टर सेन उस पर इतनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। उसे जब भी मिलते हैं उसे कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ईवो से आज ये भी कहा कि उसके लिए एक जाने माने जिम की गोल्डन मेंबरशिप उन्होंने ले रखी है। ईवो एक कॉमनर था, उसके लिए उस जिम को अफोर्ड करना कभी भी पॉसिबल ही नहीं था, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक वो अच्छा खासा फेमस हो जाए, क्योंकि उस जिम में बस सेलेब्स ही जाते हैं। मिस्टर सेन भी वहीं जाते हैं। अब ईवो ने भी वो जिम ज्वाइन कर लिया और वो भी टाइम निकाल कर वहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए आने लगा। उसे अपना पर्सनल ट्रेनर भी मिल गया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये सब चीज़ें जो मिस्टर सेन ईवो के लिए कर रहे थे वो कभी ऐसे अकेले में प्राइवेटली मिलकर नहीं हो रही थी। वो बस ईवो को कोई चीज़ पकड़ा देते और कहते ये तुम्हारे लिए है, या तो मिस मेरी लाकर वो ईवो को दे देती। ईवो ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट्स और सरप्राइजेस से हमेशा ही चौंक जाता, सोचता रहता मिस्टर सेन उस पर इतना फेवर क्यों कर रहे हैं, इन रिटर्न उन्हें क्या चाहिए, ईवो उनके लिए क्या कर सकता है। उसके पास उसकी वर्चू है, क्या वो उन्हें ऑफर कर सकता है। उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आता रहता, पर मिस्टर सेन बहुत बड़े आदमी थे, यहाँ तक कि वो सेट पर भी होते, डायरेक्शन भी कर रहे होते, प्रोडक्शन भी कर रहे होते, तब भी ईवो के लिए उनसे मिलना इतनी आसान बात नहीं थी। वो बाकी असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ वहाँ खड़ा रहता, काम सीखने की कोशिश करता, बिहाइंड द कैमरा रहकर कैमरा के सामने किस एंगल से कैसे खुद को प्रेजेंट करना होता है, कौन सा एंगल आपके लिए सबसे बेस्ट है, ये वो सीखता रहता। उसे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली उसने कभी भी वेस्ट नहीं किया। हाँ, इन सब में उसने खुद से काम ढूंढना कभी भी बंद नहीं किया, यहाँ तक कि उसे एक शो में एंकरिंग का काम भी मिला, बट एन मोमेंट पे उसे वहाँ से नेगेटिव रिप्लाई आया, उसे उस शो से निकाल दिया गया। ईवो के लिए ये काफ़ी बड़ा झटका था, उसने काफ़ी मेहनत करी थी पर उसे लगा नहीं था कि उसे ऐसे रिजेक्ट किया जाएगा, जहाँ एक तरफ मिस्टर सेन जैसे लोग हैं जो उसके कुछ मुलाकातों के बाद से ही उसे काम देने लगे हैं, और यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जहाँ पर पहुँचने के लिए ईवो ने इतनी मेहनत करी, बट वो लोग फेवरिज्म दिखाकर अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को ले रहे हैं, उन लोगों को चांस दे रहे हैं। उन्होंने ईवो को रिजेक्ट कर दिया। ईवो आज खासा बैड मूड में था, तो उसका काम पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं था, और ये चीज़ सेन भी देख रहा था, नोटिस कर रहा था, बट उसने कुछ कहा नहीं। इधर ईवो का फ्रस्ट्रेशन पीक पर पहुंच चुका था। आज तो लगभग 20 घंटे की शिफ्ट थी, वो लगातार काम किया जा रहा था, कल ही उसे रिजेक्शन मिला था। वैसे इस ड्रामा में काम करके वापस से उस शूटिंग लोकेशन पर जाना जहाँ पर वो रियलिटी शो चल रहा था, वहाँ जाकर ऑडिशंस देना, उनके रिप्लाई का इंतज़ार करना, ये सब ईवो के लिए काफ़ी सरदर्द भरा काम था। फिर भी ईवो ने यह सब किया, बट उसके हाथ कुछ नहीं लगा, वो काफ़ी मायूस था और काम किए जा रहा था। बिना खाए बिना सोए वो सीधा इस सेट पर पहुंचा था, यहाँ पर काम करने लगा था। किसी को फिक्र नहीं वो खा रहा है नहीं खा रहा है, वो कितना काम कर रहा है। यहाँ के लोग भी, वो छोटा है इसलिए उस पर इतना प्रेशर बनाते हैं, उसे इतना काम करवाते हैं, बट ये वो किसी को कुछ कह नहीं सकता, वो नया है, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है ये बहुत बड़ी है, वो यहाँ पर हंगामा करके नहीं जा सकता।
अगर एक्टिंग में उसका लक नहीं चल रहा है तो डायरेक्शन भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये वो इसमें अपना लक आजमा सकता है, यही वो सोच रहा था, काम किए जा रहा था। बट ये सारी चीज़ें अब उसके हेल्थ पर ट्रोल करने लगी थी। तभी किसी ने आकर उसे बताया कि उसे मिस्टर सेन ने बुलाया है। अब तो ये वो सोच भी नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। मिस्टर सेन उसे बुला रहे हैं पहली बार सामने से। इवो ने कुछ एक महीने पहले उनके सीधा सामने जाकर बदतमीजी से की थी, बट सेन ने तब तो कुछ नहीं कहा, उसे कैजुअली बातें की काफ़ी देर तक। बट उसके बाद से मिस्टर सेन ने कभी भी इवो में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और आज इवो इतना ज़्यादा थक चुका है, तब जाकर मिस्टर सेन को इवो की याद आ रही है। ये भी उन्हीं में से निकले। सोचते हुए इवो ऑफिस की तरफ जाने लगा। वैसे वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग तो नहीं रहा था। अगर मिस्टर सेन उसके साथ कुछ करना चाहते हैं तो भी इवो बस आंखें मूंद कर पड़ा रहेगा, वो जो चाहे करे। यहाँ पर ऐसे ही तो होता है, एंड में जाकर सारी चीज़ें फिजिकल होने पे रुक जाती है। इवो बस चलते जा रहा था, अपनी किस्मत को कोस रहा था। आज उसे इतना बड़ा रिजेक्शन मिला, उसका सपना चकनाचूर हो गया, और दूसरी तरफ एक होप मिली थी, वो भी आज टूटने की कगार पर थी। इवो अपने में ही चलता जा रहा था। आखिरकार वो मिस्टर सेन के केबिन तक पहुंच गया। उसने नॉक किया तो पाया दरवाज़ा खुला है। इवो ने दरवाज़ा हल्के से खोला और अंदर देखने लगा। अंदर मिस्टर सेन अपनी स्पेक्स लगाए कुछ पेपर्स पर काम कर रहे थे। कमेंट सेन ने बिना ऊपर देखे कहा, तो इवो अंदर चला गया और सेन के टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। सेन ने कहा, बैठो। इवो चुपचाप सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वो आज इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसे कुछ भी पॉजिटिव थॉट नहीं आ रहे थे। वो सोच रहा था, अब जाकर मिस्टर सेन बोलेंगे कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। उसने यहाँ तक अपने मन में कई सारे जवाब भी सोच लिए थे। एक पल के लिए तो वो चाहता था कि वो सारी टेबल उलट कर सारी चीज़ें उथल पुथल कर दे, मिस्टर सेन को उनके चेहरे पर बोल दे कि आपने मुझे समझ क्या रखा है, इससे बेटर है कि मैं अपनी सिटी वापस चला जाऊँ, वहाँ जाकर कुछ काम करूँ, मैं आप जैसे लोगों को प्लीज़ करने के लिए नहीं हूँ। एक पल के लिए वो कह रहा था कि सब में से होने में ही भलाई है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मिस्टर सेन उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बदले उसके ये फेवर चलते रहेंगे। बट सच कहना तो इवो का दिमाग इस वक्त बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो चुका था। वर्चू और रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ चीज़ें होती है जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि भूख और नींद, जो अभी इवो के सर पर हावी हो रही थी। वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोलैप्स हो जाएगा। इनफैक्ट जब मिस्टर सेन अपने काम में बिजी थे, एक पल के लिए इवो ने सोचा वो फटाक से उठे, अपने कपड़े उतार दे और मिस्टर सेन से कहे करो जो करना है और छोड़ दो उसे। यहाँ तक कि इवो ने अपने लिप्स चबा लिए, वो उठने ही वाला था, पर तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। इस बात पर इवो की मुँह से कुड़ी, कम इन, मिस्टर सेन ने बिना ऊपर देखे कहा। तो कोई वहाँ पर फूड डिलीवर करने आया था। इवो उस फूड को देख के सैल्यूट करने लगा, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी कहने की। ये फूड तो मिस्टर सेन का था ना। तभी सेन ने अपने सारे काम रोक दिए और फिर उठकर इवो के बगल में आकर बैठता हुआ बोला, चलो डिनर करते हैं। अभी रात के 11:30 बज रहे थे और मिस्टर सेन ने खुद ने भी अभी तक डिनर नहीं किया था। ये सोचकर ही इवो को थोड़ा अजीब सा लगने लगा। बट एनीहाउ दोनों ने एक साथ डिनर किया। मिस्टर सेन अभी भी कहीं खोए खोए से लग रहे थे, जैसे अपने ख्यालों में कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ख्यालों में खोए हुए हो। इवो ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। खाना खाने के बाद मिस्टर सेन ने इवो से कहा, जाओ जाकर आराम करो। थैंक यू, इवो बोला और वहाँ से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। पर अभी भी उसके दिमाग में एक सवाल था
जो लगातार गूंज रहा था। क्यों, वो इतना स्पेशल क्यों है, उसे इतनी स्पेशली ट्रीट क्यों किया जाता है। ऐसा नहीं था कि वो मिस्टर सेन का इकलौता असिस्टेंट था, उसके जैसे 10-12 लड़के थे, कुछ तो काफ़ी एज्ड भी थे, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थे, लेकिन उनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। उन्हें महंगे महंगे ब्रांड्स के गिफ्ट नहीं मिलते थे, उनके लिए कोई जिम बुक नहीं करी गई थी। ये सिर्फ ईबो के साथ ही क्यों हो रहा है, वो मिस्टर सेन से ये पूछना चाहता था, पर पूछे कैसे। अभी तक मिस्टर सेन और उसका इंटरेक्शन बस एक टॉप लेवल पर्सन और एक बहुत ही आम बंदा इसके जैसे ही रहा है। दोनों ने दोस्तों की तरह कभी भी बात नहीं की। ईबो सीधे से उन्हें टोक नहीं सकता और पता नहीं उन्हें किस बात का बुरा लगे। लेकिन वो वहाँ से जा नहीं रहा था तो मिस्टर सेन ने बस उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? अब ईबो ने जैसे तैसे हिम्मत करके पूछा, क्या इस एजेंसी में सभी को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है? कैसे? मिस्टर सेन ने पूछा। ईबो ने कहा, महंगे गिफ्ट्स देना और कुछ एक्सपेंसिव स्टफ़ करना। मिस्टर सेन ने कहा, नहीं। ईबो ने कहा, बट मेरे पास तो बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं। हाँ, मिस्टर सेन ने कहा, मैंने ही भिजवाए हैं। क्यों? ईबो ने पूछा। मिस्टर सेन ने अचानक उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो ईबो के दिल की बात जानना चाहते हो। मिस्टर सेन ने कहा, तुम्हें नहीं चाहिए? ईबो ने कहा, ये तो हर किसी का सपना होता है, लेकिन कैसे, मतलब क्या मुझे इसके बदले कुछ करना होगा? ईबो अपनी कश्मकश में बोल पड़ा और फिर उसे खुद रिग्रेट होने लगा। इस बात पर मिस्टर सेन हंस दिए और ईबो खुद को बेवकूफ़ समझने लगा। मिस्टर सेन ने कहा, तुम बहुत सोचते हो, जाओ जाकर आराम करो। ईबो ने कहा, ठीक है सर, सॉरी अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो। मिस्टर सेन ने कहा, ईबो मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें इन्वेस्ट कर रहा हूँ और जो चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है वो मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल बात है। मैं अपने दोस्तों को ऐसे गिफ्ट्स दिया करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसके बदले तुमसे दोस्ती चाहता हूँ, बट तुम्हें लेकर मेरे दिमाग में कुछ प्लान्स है। अभी मैं सारी चीज़ों को ठीक से फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तक तुम यहाँ पर चिल कर सकते हो, काम कर सकते हो, बहुत कुछ सीख भी सकते हो, क्योंकि जब तुम एक्टर बनोगे तब तो तुम्हें बिहाइंड द कैमरा सारी चीज़ें कैसी होती है ये पता चलना चाहिए। व्हाट? ईबो की तो एक पल के लिए सांस ही अटक गई, दिल की धड़कन बिल्कुल रुक गई। मिस्टर सेन उसे एक्टर बनाना चाहते हैं, इतनी बड़ी कंपनी उसे चांस देना चाहती है। ये न्यूज़ ईबो के लिए बहुत बड़ी थी। इस बात से तो जैसे उसकी नींद, उसका थकावट, सब कुछ भाग गया। ईबो तो बिल्कुल जोश से भर गया। सर सच में? ईबो ने कहा। मिस्टर सेन ने कहा, काम डाउन मिस्टर वांग, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सारी चीज़ें अभी फिगर आउट कर रहा हूँ और तुम अकेले ऐसे नहीं हो जिसके साथ मैंने किया है, ठीक है? मेरे बहुत सारे दोस्त रह चुके हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने गिफ्ट्स भी दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग आगे जाकर सक्सेसफुल हुए हैं। सक्सेस बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ, लॉन्च कर सकता हूँ किसी छोटे मोटे रोल के लिए, बट तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। इसमें से कुछ बातें ईबो के सर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि अभी के लिए तो वो इतना ज़्यादा खुश था कि वो बता भी नहीं सकता। इतनी बड़ी प्रोडक्शन हाउस के साथ उसे एक चांस मिलने वाला है जिसके लिए लोग 10-10, 15-15 साल बिता देते हैं, लोगों से कांटेक्ट बनाने में, छोटे मोटे एड्स करने में। ईबो को सीधा एक बिग ब्रांड के साथ लॉन्च किया जा रहा है। ईबो के लिए ये बात बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, जैसे उसका सपना सच होने वाला हो। अगले ही पल ईबो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था कि वो तुरंत सेन के करीब आया, उसे गले लगा। सेन जो बैठा हुआ था वो एक पल के लिए सकपका गया, चौंक गया। उसे टच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था।
वो हर किसी से दूर रहता। हाँ, वो फ्लर्टी था, वो बातें भी बहुत करता था, वो लोगों के साथ मिलना आम बात थी। मतलब वो और उसके दोस्त, ये सब चीज़ें अलग, लेकिन कोई भी उसे टच करे उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। और ये वो सीधा उसके गले मिल गया। ये दूसरी बार था जब ये वो अपनी लाइन क्रॉस कर रहा था और सीएन ये बात उसे अच्छे से समझाना चाहता था, बट चलो, इबो नया खून है, गर्म जोशी है, हो सकता है उसे एक्साइटमेंट में गलती हो गई और शायद से उसे सेन के नेचर के बारे में भी नहीं पता। लेकिन सेन दोबारा ऐसी गलती बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। ये सोचते हुए उसने उस वक्त के लिए तो इबो के पीठ पर थपथपाया, तो इबो भी अचानक से होश में आ गया और तुरंत सेन से दूर हो गया। ठीक है, आराम करो, कल सुबह जल्दी उठना है, हमें वापस से शूट शुरू करना है, सेन ने कहा। अब वो इबो से, अब तो दोनों नज़रें भी नहीं मिला रहे थे। इबो जो थोड़ा सा एम्बेरस और शर्मिंदा महसूस कर रहा था, शर्मा रहा था, और सीएन जो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, इरिटेट हो गया था। खैर, इबो वहाँ से चला गया और सीएन सोचने लगा, क्या ये लड़का सच में उसकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? जो कुछ भी उसने सोचा है उसके लिए कितनी सारी पेशेंस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, एक बंदे की पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। उसके दिमाग तक को सेन काबू करके रखेगा, जो उसने पहले अयुंगा के साथ किया था। दोनों एक ही उम्र के थे और अभी अयुंगा बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था, लेकिन फैमिली के चक्कर में पड़ने की वजह से वो अपने करियर पर फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया और उसका ग्राफ नीचे चलता गया। सेन की नज़रों में वैसे तो वो काफ़ी बड़ा स्टार बन चुका है, लेकिन सेन उस स्टारडम को रियल नहीं मानता। जब तक कि आपके पास बराबर काम ना हो, आपके अंदर बराबर पैशन ना हो, जो उसे ईबो के अंदर दिख रही थी। वो दिन तो बीत गया। अगले दिन से सेन को एक अलग ही ईबो दिखाई दिया। वो ईबो जो पहले कंफ्यूज हुआ करता था, बस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करता था, अब उसमें एक अलग ही जान आ गई थी। वो पूरे पैशन के साथ हर काम करने लगा था। मतलब जैसे कि उसने सीएन के काम का तरीका पूरी तरह से अपना लिया हो। सीएन जिसे हर एक पॉइंट में इतनी डिटेलिंग चाहिए होती थी कि सामने वाला बस देखता रहे, उसके वो बड़े बड़े सेट्स, उन सब में कोई छोटी से छोटी भी गलती नहीं ढूंढ पाता था। क्रिटिक्स भी सीएन के दीवाने थे। ऐसे में इबो पूरे पैशन के साथ सीएन की हर चीज़ को अपनी जगह पर पॉइंट करते जा रहा था, रखते जा रहा था, उन सारे पॉइंट्स को बराबर फॉलो करते जा रहा था। सीएन के लिए ये चीज़ें काफ़ी चौंकाने वाली थी। उसने इबो से इतने पैशन की उम्मीद नहीं की थी। वो एक्टर बनने वाला है। कल रात ही उसे न्यूज़ मिली है कि उसे एक बड़ा चांस मिलने वाला है। ऐसे में सीएन ने अक्सर देखा था, यंगस्टर्स के दिमाग में अक्सर हवा भर जाती है, वो ईगोइस्टिक हो जाते हैं, अपने कलीग्स को वो कम आंकने लगते हैं, खुद को सेलिब्रिटी समझने लगते हैं, किसी की वैल्यू नहीं करते। इबो के केस में बिल्कुल उल्टा हो रहा था। इबो पूरे पैशन के साथ हर काम करता जा रहा था, जो चीज़ क्वाइट इम्प्रेसिव थी। इबो का ये चेंज सीएन ने पॉजिटिव लिया और वो फिर से इबो को ऑब्जर्व करने लगा, किस तरह से एक एक सीन में इबो जान डालता रहता है, किस तरह से जब तक कोई भी सीन उसके मन को नहीं भाता, उसके चेहरे पर स्माइल नहीं आती। आजकल उस स्माइल के लिए सीएन कहीं ना कहीं वेट करता रहता था। एक बार एक बहुत छोटा सा सीन था जिसमें एम्प्रेस के बालों के नीचे एक ठुनकी रखी जानी थी। उनके बालों से धुआं वेव्स के शेप में ऊपर आने वाला था और तभी एम्प्रेस को कुछ ऐसी चीज़ सुनाई पड़ती है जिससे वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो उस ठुनकी के ऊपर से
ऐसे उठती है जैसे उसे अपने बालों तक की परवाह नहीं हो। बट एज अ डायरेक्टर उन सबको उसके बालों की वो चाहे नकली ही थे लेकिन परवाह करनी थी, क्योंकि वो धुनकी से चलने नहीं चाहिए थे। उससे धुआं भी प्रॉपर शेप में निकलना चाहिए था और उस एम्प्रेस को सीधा आगे भागते हुए जाना था जिसके पीछे दुहे का सही से शेप भी बनना चाहिए था। कहने का तो ये चीज़ बहुत छोटी थी लेकिन टास्क बड़ा भयंकर था, और इस चीज़ का इंचार्ज था इवो, जिसने पता नहीं कब से हर तरफ धुआं करके रखा था, क्योंकि वो उस धुनकी को एक प्रॉपर तरीके से सुलगा देना चाहता था। प्रॉपर धुआं उसे निकलना चाहिए, ये इवो का मोटिव था। तो सीएन ने जब ये देखा तो उसे लगा कि उसे इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन इवो ने इन सारी चीज़ों को इतने बेहतर तरीके से अरेंज किया। सबसे पहले तो उसने एम्प्रेस के बालों के नीचे एक अलग से लकड़ी रखी, जिस वजह से उसके बालों से वो प्रॉपर शेप में धुआं आने लगा। जब तक कि वो धुआं आता नहीं, सीएन के कट बोलने के बावजूद भी कैमरामैन इवो के सिग्नल का इंतज़ार करने लगा, और जब इवो ने वो प्रॉपर धुएं के शेप देखे तब जाकर उसने कैमरामैन को कट करने को कहा। सीएन के लिए ये बात चौंकाने वाली थी कि कैमरामैन भी इवो की बातों को सुन रहा है। वेल, वो सीन बहुत अच्छे तरीके से शूट हुआ, ना तो एक्ट्रेस की वीक चली ना ही रिटेक लेना पड़ा। वेल, ये बात सीएन के मन को भा गई। इवो धीरे धीरे उसे इम्प्रेस करता जा रहा था और धीरे धीरे सीएन भी उस पर ट्रस्ट करने लगा था। वैसे सीएन की लाइफ में मैरिज, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के लिए कोई लोड नहीं था। वो चाहता ही नहीं था कि कभी उसकी शादी हो, किसी के साथ उसकी एंगेजमेंट बढ़े। वो सिंगल ही रहना चाहता था, बस अपने काम पर फोकस करना चाहता था। उसकी ज़िंदगी का मोटो ही ऐसा था कि लोग 500 साल बाद भी उसकी फिल्म देखे और याद रखे कि इस लेवल का डायरेक्टर हो चुका है कि जिसने बहुत ही बेहतरीन कॉस्ट्यूम ड्रामास बनाए हैं, इतने बेहतरीन कि उनकी कोई भी तुलना कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए फैमिली बहुत सेकेंडरी थी, इनफैक्ट उसके लिस्ट में थी ही नहीं फैमिली बनाना। वेल, ये कॉस्ट्यूम ड्रामा तो कंप्लीट हुआ। इन्होंने बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से काम किया, और जो इसका एंड रिज़ल्ट आया, जो ये ड्रामा सारे कंट्री में छा गया, उसका कहना ही क्या। वो तुरंत ही नंबर 1 रैंक पर आया। हर तरफ से इनका नाम फिर से एक बार छा गया। इस बात से पूरी टीम खुश थी, यहाँ तक कि सीएन को सजेशंस भी मिलने लगे कि इवो को ही उसे हमेशा असिस्टेंट डायरेक्टर रखना चाहिए। इनफैक्ट उसके अंदर इतना टैलेंट है कि उसे ग्रुप लीडर बनाना चाहिए और उसी के डायरेक्शन में सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने चाहिए। बट सीएन ने तो पहले से ही सोच लिया था कि इवो आगे जाकर क्या बनेगा। तो जल्द ही इस सक्सेस को पहचाने के बाद सीएन ने अपने अगले कॉस्ट्यूम ड्रामा का अनाउंसमेंट कर दिया। बट उसकी कास्ट को अभी तो गुलदस्ते में रखा गया। असिस्टेंट्स किए जाते हैं पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि जब एक्टर सीधा लोगों के सामने आकर छा जाता है तब लोग उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी बिकती है, जिसका पैसा करना सीएन को बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो जिस ड्रामा में इवो को एज अ मेन एक्टर काम मिला था, वो कॉस्ट्यूम ड्रामा की शूटिंग शुरू हो गई। इसमें उसके अपोजिट सीएन की ही फ्रेंड की बेटी थी। वैसे तो ये लड़की बहुत ही कम उम्र की थी, बट सीएन ने उसे स्पेशली ट्रेनिंग दिलवाई थी। इनफैक्ट वो उसे ही लॉन्च कर रहा था, जिसमें वो इवो को सहारे की तरह ले रहा था। इवो के टैलेंट के दम पर ये ड्रामा चलेगा और ये लड़की भी फेमस हो जाएगी, सीधी सी बात है। बट सेकेंड मेन लीड के तौर पर जिस पर्सन को सीएन ने कास्ट किया था वो भी उसके एक फ्रेंड का बेटा ही था, बट उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा था। ये पूरे ड्रामा में जब तक
इसके बेसिक चीज़ें चल रही थी, इसकी प्रिपरेशन चल रही थी, हर किसी को देखने को मिल रहा था कि सेन ईवो को लेकर बहुत पॉजिटिव है। ईवो की उसकी बातें, उसके नाम, इस कॉस्ट्यूम ड्रामा की थीम किसी को भी लीक नहीं होनी चाहिए। ये सेन की तरफ से सबको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे। आउटडोर शूट हो रहा था तो जाहिर सी बात है पैपराजीज और बाकी सब का आना बिल्कुल भी मना था। सेन खुद से ईवो का इतना ज़्यादा ध्यान रख रहा था कि सब लोग उनके दोस्ती पर डाउट करने लगे थे, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर था ईवो खुद, क्योंकि उसे सेन के इंटेंशंस समझ नहीं आ रहे थे। जिस तरह से सेन अपने सारे सीन समझाता, खुद लड़की की जगह पर जाकर, एक्ट्रेस की जगह पर जाकर ईवो के साथ ऐसे एक्ट करता जैसे कि अगर उनकी शूटिंग होती तो वो भी एक बहुत बेहतरीन ड्रामा बन जाता। यहाँ तक कि इंटीमेट सीन में भी सीन ने इतना ज़्यादा गाइड किया कि ईवो को एक पल के लिए यकीन नहीं होता था ये मिस्टर सेन जो टच करने पर भी इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, वो सेट पर आते ही बिल्कुल अलग पर्सन बन जाते हैं, वो इतने चेयरफुल होते हैं, इतने हंसते रहते हैं, अपनी सारी टीम को ऐसे एक साथ बांधकर और मोटिवेटेड रखते हैं कि कहना ही क्या। लगभग 50% शूटिंग ख़त्म हो गई, अभी भी सेन और ईवो का सीन उतना ही होता था जितना ऑन स्क्रीन या बिहाइंड द कैमरा दोनों एक साथ होते थे। सेन ने कभी भी ईवो को प्राइवेट में नहीं बुलाया, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था, लेकिन अभी भी ईवो के लिए जो फेवरिज्म का पार्ट था वो चलता ही जा रहा था। ईवो को सभी लोग रिस्पेक्ट करते थे जो किसी भी फ्रेशर के लिए इंडस्ट्री में बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ तक कि जिस बंदे को सेन अपने दोस्त का बेटा कहा करता था, जिसे सेकंड लीड के रूप में लिया था, उसे भी इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। वैसे अब ईवो के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। सेन का उसके हमेशा इतने करीब रहना, उसकी इतनी फिक्र करना ईवो को अलग ही इंटेंशंस दिखाने लगा था, उसे सेन में इंटरेस्ट आने लगा था। वैसे तो उसके और सेन के उम्र में बहुत अंतर है, ईवो लगभग 19 साल का है और सेन 39 ईयर्स का, उसकी उम्र से दुगना। फिर भी ईवो सेन को देखकर सीख रहा था, एक तरह से सेन उसका आइडल था, बट अभी उसके दिल में जो रिस्पेक्ट सेन के लिए थी वो फीलिंग्स चेंज होने लगी थी धीरे धीरे। ईवो जेलस होने लगता जब भी सेन किसी और के साथ ज़्यादा बातें करने लगता। वैसे तो वो ये सब बातें अपने चेहरे पर दिखाता नहीं था, पर उसके दिल में बार बार यही चलता रहता कि मैं इतना स्पेशल क्यों हूँ, मुझे इतना अलग से ट्रीट क्यों किया जाता है, क्या इस सब के बदले में मिस्टर सेन को मुझसे कुछ चाहिए। आजकल ईवो के दिमाग में ये नहीं होता था कि उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, आजकल उसके दिमाग में ये चलता रहता कि उसे ये रीपे करना चाहिए किसी तरह से, उसे ड्रामा को एक ह्यूज सक्सेस दिलाना होगा, हर फ्रेम बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, उसके हर डायलॉग हर एक्सप्रेशन बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, और अगर इस सब से भी सेन खुश नहीं होता तो ईवो कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी। अगर उसे कोई स्टंट करना पड़े, पब्लिसिटी स्टंट, तो वो भी करने को तैयार है, वो सेन के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। बस ईवो ये सारी चीज़ें पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था कि उसके दिमाग में ये सब क्या चल रहा है। वो सेन का भक्त बन चुका था, नहीं उससे भी ज़्यादा वो सेन के लिए साइको होता जा रहा था, पागल होता जा रहा था। बट वो इस इंडस्ट्री के रूल से अनजान नहीं था, वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं था, वो जानता था उसकी सेन के लिए दीवान की कहीं सेन को ना ले डूबे, तो वो अपने आप पर काफ़ी कंट्रोल भी रखता था। आधा ड्रामा लगभग कंप्लीट हो चुका था और उसे पब्लिश करने की बारी थी, क्योंकि आगे के एपिसोड्स फिर भी शूट होते रहेंगे,
ड्रामा जब एयर हो जाएगा तो उसे पब्लिसिटी मिलेगी, फिर इन्हें फंडिंग भी मिलती रहेगी। वैसे सीएन के लिए फंडिंग ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट उसके परफेक्शन के चलते वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर देता है, तो ये कन्वीनियंट था। अब जब ड्रामा एयर होने ही वाला था तो उन्हें एक मेन लीड और मेन एक्ट्रेस की पिक लीक करनी थी, जिस वजह से हर तरफ रूमर फैले, पीआर हो और लोगों के बीच में ड्रामा की क्यूरियोसिटी बढ़े। तो सीएन ने इस चीज़ का अरेंजमेंट करवा दिया। उसने इबो को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाया। इबो इस चीज़ का कब से वेट कर रहा था, वो लिटरली साइको की तरह जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। वो आज बिल्कुल परफेक्ट लगना चाहता था। आज उसने ग्रे शर्ट पहना था, उसके ऊपर क्रीम कलर का टॉप ऑफ वाइट कलर का, उसने बहुत सारी पर्ल ज्वेलरी भी पहनी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, मतलब उसकी ब्यूटी का कोई मुकाबला ही नहीं था। इबो आज किसी भी हालत में सीएन को इम्प्रेस करना चाहता था। वो बड़ी जल्दी जल्दी तैयार होकर उस रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां का उसे एड्रेस दिया गया था, और वहां पहुंचकर इबो इधर उधर ढूंढने लगा सीएन को। उसने हर तरफ नज़र दौड़ाई पर सीएन कहीं भी नहीं था। ये एक ओपन रेस्टोरेंट था, यहाँ पर लोगों को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इबो बस पागलों की तरह इधर उधर देखे जा रहा था, पर जब उसको सीएन नहीं दिखा तो वो अपने रिजर्व किए गए टेबल पर जाने लगा, जहाँ पर ऑलरेडी कोई उसका इंतज़ार कर रहा था, कोई लड़की, जिसे देखकर इबो की भौहें सिकुड़ी। उसे गुस्सा आ रहा था, उसके टेबल पर कोई और बैठा है, यहाँ तो उसने और सीएन ने टेबल बुक की है। वो जाकर उस पर्सन को इस बात के लिए टोकने वाला था, इनफैक्ट मैनेजमेंट को भी सू कर देने वाला था। बट जब वो वहाँ गया, उसने देखा ये तो मिस ताओ है, उसकी को एक्टर्स। हेलो, इबो ने कहा। मिस ताओ ने कहा, हाय इबो, आओ बैठो। इबो ने कहा, आप यहाँ क्या कर रही हो? मिस ताओ ने कहा, डिनर। इबो ने कहा, पर यहाँ तो मिस्टर सीएन ने अरेंजमेंट करवाई है, मुझे बुलाया है। मिस ताओ ने कहा, हाँ तुम्हें और मुझे बुलाया है, हमें साथ में डिनर करना है और साथ ही बाहर निकलना है। व्हाट? इबो एक पल के लिए चौंकता हुआ बोला, और फिर जैसे वो आगे आया था उसी तरह से उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। वो मुड़कर वहाँ से जाने लगा, तभी मिस ताओ ने इबो को पीछे से पुकारा, मिस्टर वांग, ये हमारा टास्क है, प्लीज़ आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए। इबो ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, और वो वहाँ से सीधा चला गया। इस वक्त उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं चल रहा था, उसे बहुत रिजेक्टेड सा फील हो रहा था। उसके सारे सपने जैसे चकनाचूर हो गए थे। उसे लगा था कि आज उसे सीएन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा है। इवो के दिल में जो कुछ भी ख्वाहिशें थी वो सारी जैसे हवा हो गई, धूल हो गई। वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका अपमान हो रहा है, उसकी फीलिंग्स का अपमान हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे पूरी तरह से गलत समझ लिया गया है। वो कोई पैसों के पीछे, पब्लिसिटी के पीछे भागने वाला पर्सन नहीं है। अगर उसने दिल से किसी को अपना माना है तो उस पर्सन को भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इतना तो इबो डिज़र्व करता है। बस एक बात, एक इशारा वो डिज़र्व करता है। अब इबो के लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी गुस्से में, इसी तड़प में वो वहाँ से सीधा निकला और सीएन एंटरटेनमेंट के मेन ऑफिस में पहुँचा, जहाँ पर वो मिस्टर सीएन से बात करने के लिए आया था मैन टू मैन। वो सीरियस होकर उनसे पूछना चाहता था कि उन्होंने ये लगा क्या रखा है, उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि वो ऐसी फेक डेट अरेंज करेंगे और इबो उनका साथ देखा बिना उसके कॉन्सेंट के। उन्होंने उसके लिए डेट अरेंज ही कैसे की, इबो को यही समझ नहीं आ रहा था। थमथमाता हुआ बस चलता जा रहा था। वो तो एक पल के लिए ये भी भूल गया कि वो
अपने बॉस को सुनाने जा रहा है, जिन्होंने कहीं ना कहीं उसे लॉन्च करने के लिए इतना सब कुछ किया है, उसे इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट दी है, और शायद से इसी वजह से इबो अपनी औकात भूल गया था। इबो बस चलता जा रहा था, यहाँ तक कि उसने सेन के केबिन के बाहर जाकर कुछ दो तीन बार नॉक भी किया, बट अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इबो का गुस्सा अब और भी उमड़ पड़ता, पर तभी वहाँ पर किसी ऑफिस बॉय ने आकर बताया कि सर तो यहाँ पर नहीं है। इबो तो अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। कहाँ है, उसने पूछा, बट उस बॉय को कुछ पता नहीं था। तो इबो ने सीधा मिस मैरी को कॉल लगाया, जिन्होंने तुरंत कॉल पिक किया। मिस्टर सेन कहाँ पर है, इबो ने कॉल उठाते ही मिस मैरी से पूछा। मिस मैरी ने कहा, इबो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो रेस्टोरेंट में होना चाहिए था। इबो ने कहा, मुझे मिस्टर सेन से बहुत ज़रूरी काम है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। मिस मैरी ने कहा, बिल्कुल नहीं, उनके रेस्ट करने का टाइम है, वो अभी तुमसे नहीं मिल सकते। इबो ने कहा, मिस मैरी देखिए, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं मिस्टर सेन की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत अर्जेंट है, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, प्लीज़। मिस मैरी ने कहा, देखो इबो, पहले तो शांत हो जाओ, तुम मुझे शिजे कहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक अच्छे एडवाइस देना चाहती हूँ, मिस्टर सेन से दूर रहो। मैं आजकल तुम्हारे अंदर बदलाव देख रही हूँ, तुम मिस्टर सेन के लिए पजेसिव होते जा रहे हो। मिस्टर सेन आज़ाद पंछी है, उन्होंने जितने करियर बनाए हैं उतने ही बिगाड़े भी हैं, तुम अपनी हद में रहो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, मिस्टर सेन तुम्हारी केयर करते रहेंगे, अपनी हद भूलने की कभी भी कोशिश मत करना। इबो ने कहा, शिजे प्लीज़, मैं आपको बहुत मानता हूँ और आप भी जानती है कि जो कुछ भी मेरे दिल में है वो कितना सीरियस है, और अभी मुझे मिस्टर सेन से मिलना है किसी भी हालत में, अगर आप नहीं बताएंगी मैं कहीं ना कहीं से पता लगा ही लूँगा, प्लीज़ मेरा मिस्टर सेन से मिलना बहुत ज़रूरी है। मिस मेरी ने इबो को समझाने की फिर से एक बार कोशिश की, पर इबो कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। तो मिस मेरी ने भगवान का नाम लेते हुए इबो को एक एड्रेस बताया और इबो तुरंत वहाँ जाने लगा। दूसरी तरफ मिस्टर सेन को भी आज काफ़ी अजीब लग रहा था, कुछ ऐसा जो वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे या करना नहीं चाहते थे। आज उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था, एक बेचैनी से महसूस हो रही थी, शायद से एक काम का प्रेशर था, पर ऐसा नहीं था कि वो पहली बार काम कर रहे थे, कोई पहला कॉस्ट्यूम ड्रामा कर रहे थे। करीब ऐसी ही फीलिंग उन्हें आयुंगा को लॉन्च करते वक्त हुई थी, उनके बेस्ट फ्रेंड को, बट ये कुछ अलग था, कुछ तो गड़बड़ थी। इसीलिए अपनी बेचैनी मिटाने के लिए वो एक सोना में आए थे। यहाँ आकर एक स्विमिंग पूल के किनारे वो एक चेयर पर बस लेटे हुए थे, अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें अप्रोच भी किया, बट आज सेन का बिल्कुल भी मूड नहीं था कोई भी चीज़ करने का। वैसे तो हर कोई उन पर हिट करता रहता है और सेन भी ऐसे फीलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं, बट आज नहीं, आज स्ट्रिक्टली नहीं। वो बस ड्रिंक करते जा रहे थे और सामने लहराते हुए पानी की तरफ देख रहे थे। आज उनका मन शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो बस सिप पे सिप लिए जा रहे थे, कुछ सोच रहे थे, बट किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे, वो कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब थे। इधर इबो जैसे ही उस पॉइंट पर पहुंचा, उस अंडरग्राउंड सोना में, तो वो बिल्कुल भी हेजिटेट किए बिना सीधा अंदर चला गया, और अंदर जाते ही उसे एक शॉक लगा, एक कल्चरल शॉक, क्योंकि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट भी करती है कि इबो को पता ही नहीं था। आज तक उसने सोना के बारे में बस सुना था, वो किसी सोना को अफोर्ड नहीं कर सकता था। हाँ, अब कर सकता है, लेकिन
आजकल तो उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चल ही नहीं रही थी, बट ये एक केस होना था जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, कुछ कपड़ों के साथ कुछ कपड़ों के बिना इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में कैसे कैसे टैग लगा रखे थे, शायद से कि उन्हें पहचानने का तरीका हो। कुछ कपल्स भी थे, कुछ लोग अकेले घूम रहे थे, कोई किसी को अप्रोच कर रहा था। इन सब के बीच में एक अकेला ही वो ही था जो सबसे अलग लग रहा था। एक तो उसकी हेवनली ब्यूटी और दूसरा उसके पूरे कपड़े, उसकी ज्वेलरी, उसका मेकअप, ये सारी चीज़ें कुछ लोग देख रहे थे। उन्हें पता चल गया कि ये लड़का यहाँ पर नया है, तो कुछ लोगों ने उसे गाइड किया, लॉकर रूम दिखाया जहाँ पर इवो अपने कपड़े उतार कर रख सकता है। इवो ने भी ऐसा ही किया, बस कुछ ज्वेलरी अपने बॉडी पर रखी, पर्ल नेकलेसेस, कुछ रिंग्स, एयर रिंग्स और बाकी कपड़े उतार कर वो एक पिंक कलर का बाथरोब पहन के सोना के अंदर चलने लगा। वैसे ये बाथरोब भी यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े हो सकता था, क्योंकि कुछ लोग बस टाल में थे, कुछ अंडरवेयर में। उसे बस उसके जैसे एक ही लड़का दिखा जिसने बाथरोब पहना हुआ था, जो कि यहाँ पर वर्जिन होने की निशानी थी। जो अंडरवेयर में थे वो टॉप थे, जो टॉल में थे वो बॉटम थे। अपने अपने प्रेफरेंसेस, ये उन्हें अप्रोच करने वालों के लिए था ताकि सही पर्सन सही आदमी को अप्रोच कर सके, लोगों के बीच में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। वहाँ पर जो इंचार्ज था उसने इबो से उसके प्रेफरेंस पूछे, लेकिन इबो कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। तो वो बंदा समझ गया कि वो यहाँ पर बिल्कुल नया है और जो यहाँ पर नया है वो वर्जिन है। तो उसने बस इवो को बाथरूम पकड़ा दिए और बेस्ट ऑफ लक कहा। इवो इस चीज़ को समझ तो नहीं पाया, बस बाथरूम पहनकर बाहर की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की, पर इवो ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। वो बस इधर उधर चलता हुआ उस जगह को एक्सप्लोर करता जा रहा था और स्पेशली मिस्टर सेन को ढूंढ रहा था, जो कुछ टाइम बाद उसे मिले भी, जो स्विमिंग पूल की तरफ देखते हुए उसकी तरफ पीठ करके बैठे हुए थे। अभी वो मिस्टर सेन से बात करने के लिए उनके पास चला गया। वैसे तो वो उनसे सीधे सीधे पूछना चाहता था कि उन्होंने लगा क्या रखा है, पर वो एटमॉस्फेयर ही ऐसा था कि वो के मुँह से कुछ भी निकल नहीं पाया। वो बस सेन के बगल में जाकर खड़ा हो गया। सेन जो अभी ड्रिंक कर रहा था, इवेंचुअली बुक रीड कर रहा था और सामने वाले पानी की तरफ कभी देख रहा था। इवो बस उसके चेयर के पीछे जाकर खड़ा हो गया, फिर इधर उधर देखने लगा। वहाँ पर कुछ लोग भी थे, कुछ चेयर पर बैठे हुए, उन्हें मसाज देने वाले कुछ लोग ओपनली बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे जो इवो के वजन आँखों के लिए बहुत ज़्यादा था। बट वो हो रहा था, वो एटमोसफियर था और इवो ने भी ये चीज़ें बहुत जल्दी देखी और सीखी। उसने जाकर सीधा सेन के कंधे पर हाथ रख दिया। सेन चौंक गया, उसने अपनी बुक बगल में रखी और फिर अपना ड्रिंक भी। वैसे तो आज उसे कोई भी नहीं चाहिए था, बट इस तरह से अगर कोई अप्रोच कर रहा है तो मिस्टर सेन भी एक पल के लिए सोचेंगे, क्योंकि कोई सामने से स्विंग करता हुआ आता है तो सेन को वो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ओपन लगती है। पता नहीं, वो भी थोड़ा बहुत ओल्ड स्कूल टाइप का है शायद। अब उसने जब अपने कंधे पर हाथ महसूस किया, एक फैमिलियर टच महसूस किया, तो सेन ने अपनी बुक साइड में रखी और बिल्कुल शांत हो गया। इधर इवो भी सामने से आकर सेन के सामने बैठ गया, पास के स्टूल पर। अब सेन इवो की तरफ देखने लगा, जिसकी नज़रें झुकी हुई थी। वो अपने ही फिंगर नेल्स के साथ खेल रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। सेन ने पूछा, तो इवो ने सेन की तरफ देखा। सेन ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? इवो ने कहा, मुझे आपसे बात करनी है।
सैनी कहा, करो फिर। बट अब इवो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या बात करनी है। वो यहाँ पर यह कहने आया था कि उसके कॉन्सर्ट के बिना उसे रेस्टोरेंट में क्यों भेजा गया, लेकिन अभी के लिए उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल फालतू लग रही थी, बेमतलब की। तो इवो के चेहरे पर बस एक पाउट आ गया, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। सेन ने कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। इवो ने कहा, आई एम सॉरी। सेन ने कहा, आर यू गे? इवो ने कहा, डोंट नो। सेन ने कहा, आर यू इंटरेस्टेड इन बॉयज? अब इवो ने सीधा सेन की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। वो फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। सेन ने कहा, कर सकते हो, सोना में हो, तुम जिसे चाहे उसके साथ जा सकते हो। इवो ने कहा, ओ। सेन ने कहा, ओके तो जाओ, ट्राई करो, तुम्हें पता भी चल जाएगा। इवो ने कहा, जिसके साथ चाहे उसके साथ जा सकता हूँ। सेन ने कहा, हाँ बिल्कुल। अब इवो अचानक से आगे बढ़ा और सेन के बिल्कुल करीब आ गया, उसके चेहरे के बिल्कुल पास। अब सेन ने भी कुछ नहीं सोचा, वो बस इवो की आंखों में देख रहा था। इवो आगे बढ़ा और उसने अपने होंठ सेन के होंठों पर रखे। उन दोनों ने एक बहुत ही पैशनेट किस शेयर किया। फिर इवो वापस से उसी स्टूल पर बैठ गया जिस पर वो पहले बैठा था। सेन ने अभी भी कुछ नहीं कहा, वो बस उस स्विमिंग पूल में उठती हुई लहरों की तरफ देख रहा था। इवो को लग रहा था कि सेन कुछ तो कहेगा, या तो उसे डांटेगा या एक्सेप्ट करेगा। वो चाहे तो यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसे बस सेन चाहिए और कुछ नहीं। इवो की तरफ देखे बिना बिल्कुल रूडली कहा, गेट आउट। इवो ने एक पल के लिए सेन की तरफ देखा, पर सेन ने कुछ भी नहीं कहा। इवो वहाँ से उठ गया और फिर सीधा लॉकर रूम की तरफ चलने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, इस बार पक्का उसे रिजेक्शन मिला था। ऐसा नहीं था कि इवो प्यार पर बिलीव करता था, वो बहुत प्रैक्टिकल था, लेकिन आज उसका दिल टूटा था। पहली बार उसके आइडल, उसके पहले क्रश, उसके पहले प्यार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। ये बात इवो के लिए बहुत मैटर करती थी। ड्रामा का पहला एपिसोड एयर हो गया, जिसने फिर से एक बार बवाल मचा दिया और इवो रातों रात फेमस बन गया, एक बड़ा स्टार बन गया। उसकी कलीग, उसकी एक्ट्रेस भी एक स्टार बन गई, जिसे लॉन्च करने का सेन ने सपना देखा था वो बिल्कुल सच हो रहा था। सारी चीज़ें सेन के प्लानिंग के अकॉर्डिंग जा रही थी, इसमें पीआर भी शामिल था। अब उस लड़की और इवो को बार बार एक साथ देखा जाने लगा, कभी रेस्टोरेंट में, कभी चैरिटी फंक्शन में, कभी यहाँ कभी वहाँ। उनके रूमर्स फैलने लगे। इधर इवो जो सेन की तरफ से बस एक सिग्नल का इंतज़ार कर रहा था, उसे वो भी नहीं मिल रहा था और वो फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था। वो लोगों के सामने फेक हंसता, बातें करता, सावेज जवाब देता। लोगों को उसकी ये हरकतें बहुत पसंद आती, जिस तरह से इवो स्टैंड लेता है, जिस तरह से उसका हर चीज़ को सोचने का नज़रिया अलग है, वो सब लोगों को, खासकर लड़कियों को बहुत पसंद आता। इवो के सेंस ऑफ ह्यूमर की हर जगह तारीफ होने लगी। उसे बहुत सारे रियलिटी शोज से इनविटेशन मिलने लगे, वो भी इवो की वजह से हाइप क्रिएट करना चाहते थे। जैसा कि सेन ने सोचा था, सब कुछ वैसे ही हो रहा था, बस एक चीज़ सही नहीं हो रही थी, इवो। उसके दिमाग में पता नहीं क्या भूसा भरा हुआ था। वो कभी भी मुस्कुराता नहीं था। हाँ, वो रियलिटी शो में बच्चों के बीच में जाकर खुश होता था, लेकिन वो मुस्कुराहट उसके दिल से नहीं थी।
जिसे सेन बहुत मिस कर रहा था, बट वो इवो को उसे सेटिस्फाई करने के लिए वो अपने ऊपर बर्डन नहीं बनाना चाहता था। वो एक फ्री बर्ड था। वो इवो को वो सपने नहीं दिखा सकता था जो इवो देख रहा है, देखना चाहता है। सेन उसे कोई वादा नहीं करना चाहता था, ना ही उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। वो तो बस उसके लिए गॉड फादर बनना चाहता था। बट इवो ने इसे बिल्कुल गलत समझ लिया और सेन उसकी गलतफहमी दूर करने में अपना दिमाग नहीं खर्च करना चाहता था। उसे इरिटेशन हो रही थी इवो के बिहेवियर से। हर कोई ऐसा ही करता है शुरू शुरू में। वो सेन की रिस्पेक्ट करता है लेकिन बाद में खुद को उस पर थोपने लगते हैं। सेन को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। सेन के लिए ये सब बहुत हो रहा था। जल्द ही उसने ये सब ख़त्म करने का डिसीजन लिया। ड्रामा भी ख़त्म होने का आया था और सेन एक दिन इवो को बुलाकर उसे यूज़ करने वाला था और फिर फेंकने वाला था। बस इवो का और उसका सारा रिश्ता ख़त्म। शायद से ही इवो यही डिज़र्व करता है। वो सेन के उस लेवल पर, उन सपनों पर पानी फेरना चाहता है। शायद से उसने अपनी किस्मत लिख ली है। ये सब सेन के दिमाग में चल रहा था। दूसरी तरफ इवो जो सच में बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो चुका था सेन के बिहेवियर से। उसने इवो को रिजेक्ट कैसे किया? इवो की फीलिंग्स जेन्युइन थी। वो सेन के पैसों के पीछे, उसकी लैविश लाइफस्टाइल के पीछे, उसके गिफ्ट्स के पीछे, उसके दिए हुए चांस के पीछे नहीं मर रहा था। उसे जेन्युइनली सेन पसंद था। वो पर्सन जो रात रात भर काम करता है, जो अपने काम के लिए पैशनेट है, जैसे कि इवो है। वो भी काम की रिस्पेक्ट करता है। वो भी अपना एक लेवल बनाना चाहता है। वो भी इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है। इसलिए सेन इवो को पसंद था। पर सेन ने जो चीप हरकत की थी, इवो को उस सोना से भगाया था, जिसके बाद से इवो का दिमाग पूरी तरह से हिल गया था। हालांकि उसके दिल में सेन के लिए रिस्पेक्ट, प्यार कम नहीं हुआ था। बस वो सेन को दिखाना चाहता था कि जिस तरह से सेन हर किसी को स्टीरियोटाइप समझता है, हर किसी को चीप नज़र से देखता है, वैसे इवो नहीं है। इवो अपनी जगह सेन के दिल में पनाह कर रहेगा। ये उसने खुद को ही चैलेंज कर लिया और फिर वही करने लगा जो कुछ भी सेन के ऑर्डर्स हैं। जब तक इवो प्यार कर रहा था तब तक तो ठीक था, बट अब रियलिटी शोज़ में इवो खुलकर पार्टिसिपेट करने लगा। वो खुद से इस दाव को अप्रोच करने लगा, दिए गए स्किट से भी ज़्यादा करने लगे। इवो इस दाव के साथ हंस हंस कर बातें करने लगा। वो किसी भी टॉक शो में, रियलिटी शो में जाता तो वहाँ भी वो मिस दाव को छेड़ता रहता, बाकी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता, उन्हें हंसाता, वो भी अपने सैविज तरीके से। वो किसी के पीछे नहीं पड़ता था, लड़कियाँ उस पर मरती थी। उसका एक स्टेटमेंट, मुझे नहीं लगता कोई मेरा लड़का भी फ़ैन होगा, ये इतना वायरल हो गया कि लड़कों ने इवो के लिए पूरी रैली निकाली। उसके नाम से, उसके चेहरे से बसेस पेंट होने लगी। उसका एक पूरा फैंडम बन गया। इनफैक्ट इवो ने मिस दाओ के फैमिली से भी अपने बहुत अच्छे कनेक्शंस बना लिए। वो लोग भी इवो को बहुत मानने लगे। मिस दाओ तो अंडर एज थी। इवो को उसे इस सब खेल में धकेलना अच्छा भी नहीं लगता था, तो उसने उसे अपनी मैमी बना लिया। उसके पेरेंट्स को वो अंकल और आंट कह के पुकारने लगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगा, उनसे कॉल करने लगा। उनकी ये नज़दीकियाँ सेन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। माना कि वो उसके दोस्त ही थे और इवो को भी अपने बच्चे की तरह देख रहे थे, बट सेन के लिए ये सब कुछ बहुत ही अजीब था। अब जाकर सेन अपने क्लाउडन माइंड को सही से साफ करने की कोशिश करने लगा। वो फीलिंग
जो अभी वो महसूस कर रहा था उसे वो समझ आने लगी। वो जलस हो रहा है इवो को देखकर, इवो को इतने सारे लोगों के साथ देखकर। सेन इवो को बस अपने लिए चाहता था, जब तक कि इवो उसके पीछे पागल है, उसकी हर कही बात मानता है, तब तक तो सेन बिल्कुल सही था। लेकिन जैसे ही इवो की दुनिया बदल गई, उसके करीबी लोगों के मायने बदल गए, उसके सर्कल में बहुत सारे लोग एंटर होने लगे, सेन को परेशानी होने लगी। वो अभी भी इवो का अटेंशन सिर्फ और सिर्फ खुद पे चाहता था। ऐसा नहीं था कि सेन कोई टीनेजर लड़का था जो प्यार में पागल है। वो एक वेल ग्रोन और बिजनेस माइंडेड पर्सन था। वो इवो को बस अपने तक ही सीमित करके रही रखना चाहता था। उसने इवो के लिए बहुत सारे सपने देखे थे, जो इवो के साथ साथ उसका भी करियर ग्राफ बढ़ाएंगे, उसके जो भी कुछ ड्रीम्स है उन्हें पूरा करेंगे। इस वजह से वो इवो को अभी तो नहीं अपना सकता था, बट ये जलसी ये उसे बिल्कुल भी चैन नहीं दे रही थी। इनफैक्ट उसने तो सोचा था कि वो इबो के साथ एक और ड्रामा करेगा, चाहे इबो अपनी फीस बढ़ाए, चाहे वो कितने ही नखरे दिखाए, सेन उसके साथ एक और ड्रामा बनाएगा। सेन ने उसकी स्क्रिप्ट पर भी काम करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ इबो के तो अपने ही टशन चल रहे थे। उसने आज आते ही ग्रुप में अनाउंस कर दिया कि वो आज सोना जा रहा है, तो सारे लोग उसे पूछने लगे कि वो कौन से वाले सोना में जा रहा है। तभी इवो ने सेन की तरफ देखा, बस एक माइनर सेकंड के लिए। फिर उसने कहा, वो तो वो नहीं बता सकता, वो एक सीक्रेट प्लेस है। अब सारे लोग हूटिंग करने लगे, इवो के लिए चिल्लाने लगे कि वो सीक्रेट्स रखता है, अपने कलीग्स के साथ सारी बातें शेयर नहीं करता। बट इवो ने ये कहते हुए बात टाल दी कि उन सब के बीच में एक माइनर है जो कि मिस्ताओ थी। मिसाओ ने इवो के करीब आते हुए उसके कान पकड़ते हुए कहा, गागा, आप मेरे नाम पर कुछ भी नहीं बेच सकते। देखो, माना कि मैं माइनर हूँ, पर मैं बचपन से सिटी में हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता है, और मुझे ये भी पता है कि आप गे सोना में जाने वाले हो। ये बात सुनकर तो सभी लोग ज़ोर ज़ोर से चेयर करने लगे, इवो का मजाक बना। लेकिन इवो ने मिसाओ के सर पर टपली मारते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ऐसे स्टफ्स की बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती, तुम भी छोटी हो तो छोटा बनकर रहो ना। ठीक है, तुम्हें काम करना पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी चीज़ें मुंह फट की तरह बोल दोगी, ठीक है, वरना मैं अंकल आंट से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। सॉरी गगा, मिस्ताओ ने क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहा। अभी वो ने फिर से एक बार सेन से नजरें मिलाई और फिर अपने टीम की तरफ देखते हुए कहा, तो चलो गाइस, मुझे लेट हो रहा है, सी यू सून, कल मिलते हैं, कहते हुए इवो वहाँ से निकला। दूसरी तरफ सेन जो कि खाना खा रहा था, उसकी चॉपस्टिक पर पकड़ बिल्कुल टाइट हो चुकी थी। वो किसी से कुछ कह तो नहीं रहा था, पर उसकी आंखों से ही लग रहा था कि वो आज किसी को फोड़ने के मूड में है। इधर इबो जो फूड स्किप करके वहाँ से जाने वाला था, उसे टोकते हुए सेन ने कहा, मिस्टर वांग, आपको नहीं लगता आपको खाना खाना चाहिए? इबो ने कहा, सॉरी मिस्टर सेन, बट मैं फुल हूँ, मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है। सेन ने कहा, मिस्टर वांग, मैंने कहा अपना लंच कीजिए। इबो एक पल के लिए रुका, वैसे तो उसके पास सेन के लिए जवाब था, लेकिन वो इन सारे लोगों के बीच में सेन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, तो वो वहाँ पर बैठ गया और गपशप करते हुए अपना लंच करने लगा। सेन की नज़रें आज बार बार इवो पर ही जा रही थी। उसे ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि वो सोना में जा रहा है बाकी लोगों के बीच में। ऐसा नहीं था कि सेन पॉजिटिव हो रहा था, सेन जेलस हो रहा था, वो हो ही कैसे सकता है? उसने अपनी पूरी लाइफ उस जगह पर बिताई है, उसे पता है वहाँ बहुत फ्रीडम है, लेकिन इवो वहाँ जा रहा है।
ये बात सेन को हजम नहीं हो रही थी। वो चाहकर भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि इबो वहाँ जा रहा है। सब लोगों ने हंसी मजाक करते हुए डिनर किया सिवाय मिस्टर सेन के। डिनर ख़त्म होने से पहले ही फूट कर अपने केबिन में जा चुके थे। अब इबो ने भी जैसे तैसे डिनर किया और फिर सबसे कहा कि अब तो ठीक है, अब तो मैं सोना जा सकता हूँ। ये कहते हुए इबो हंसकर वहाँ से जाने लगा। तभी वहाँ पर मिस मैरी आई और इबो से कहा कि मिस्टर सेन ने उसे बुलाया है। पल बाकी सबके लिए यह चीज़ ज़्यादा चौंकाने वाली नहीं थी। मिस्टर सेन बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन थे। वो जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते वहाँ का कोई भी क्रू मेंबर, कोई भी स्टाफ मिस्टर सेन के मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। और इधर इबो एक नया एक्टर होने के बावजूद भी बार बार कुछ फालतू से सोना जाने की जिद कर रहा है, जबकि उसे साफ साफ दिख रहा है कि मिस्टर सेन को ये पसंद नहीं आ रहा है, तो उसकी तो पिटाई लगना पक्की है। यही सब लोगों ने सोचा। ये चीज़ बहुत कॉमन थी, नॉर्मल थी। मिस्टर सेन ऐसे कभी कभार किसी पे भड़क भी उठते थे, तो कोई किसी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और इबो मिस्टर सेन के केबिन पहुँचा। सेन यूजुअली अपने टेबल पर बैठता है, काम करता रहता है, लेकिन आज वो सोफा पर बैठा हुआ था और उसे देखकर ही लग रहा था कि आज वो बिल्कुल फायर है। आज तो कोई सच में ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन इबो बहुत ही कैजुअल तरीके से सेन के सामने आया और कहा, हेलो मिस्टर सेन, आपने मुझे याद किया? सेन ने कहा, मिस्टर वांग, ये सब क्या चल रहा है? इबो ने कहा, क्या मिस्टर सेन? सेन ने कहा, देखो इबो, मेरे सामने नाटक करना बंद करो। इबो ने कहा, मिस्टर सेन, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। सेन ने कहा, तुम अभी सोना क्यों जा रहे हो? इबो ने कहा, मिस्टर सेन, हर किसी की फिजिकल नीड होती है, मेरी भी है। सेन ने कहा, मिस्टर वांग, आपको ये बात सब लोगों के बीच में बताने की ज़रूरत थी। आप क्लब भी जा सकते हैं, सोना जाने की क्या ज़रूरत है? वो मेरी फेवरेट प्लेस है। इबो ने कहा, बट आप उसे ऑन नहीं करते, वहाँ पर कोई भी जा सकता है। सेन ने कहा, तो अब आप मुझसे जुबान लड़ाना चाहेंगे? इबो ने कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन आज मेरा सोना जाने का मन कर रहा था, इसलिए मैं जा रहा था। सेन ने कहा, इबो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इबो ने कहा, मिस्टर सेन, माना कि आपने मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी लाइफ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है मैं नहीं जाऊँगा सोना, लेकिन ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद मैं ज़रूर सोना जाना चाहूँगा। इबो, क्या सक्सेस तुम्हारा सर चढ़ कर बोल रही है? सेन ने अचानक से आवाज़ चढ़ाते हुए कहा। इबो ने कहा, मिस्टर सेन, आप गलत समझ रहे हैं, बात ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज भी आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मेरी भी अपनी नीड्स है, आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी। जैसे मैं आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको भी तो ये समझना पड़ेगा कि मेरी अपने भी कुछ नीड्स है। क्या नीड्स है तुम्हारी? सेन ने अचानक से कहा। इबो ने कहा, मिस्टर सेन, देखिए, हाइपर मत होइए, ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। हेल्थ? व्हाट द हेल, तुमने क्या मुझे बुरा समझ रखा है? सेन ने अचानक से चिढ़ते हुए कहा। इबो ने कहा, नो 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 मिस्टर सेन, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा परेशान मत होइए, मैम ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम कहीं नहीं जा रहे? तुमने खुद को समझ क्या रखा है? मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेन ने गुस्से में कहा। इबो ने कहा, एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरे यहाँ होने ना होने से, मेरे कहीं जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही पड़ना चाहिए। हम बिल्कुल प्रोफेशनली एक साथ हैं, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके ख़त्म होने के बाद
मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, हमें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इबो यही कह रहा था और सेन बस मुठ्ठियाँ बिछते हुए इबो की तरफ देख रहा था। उसने अचानक से अपनी मुठ्ठियाँ जोर से कसते हुए इबो के सामने खड़े होते हुए कहा, इबो मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, गेट आउट ऑफ माई माइंड। इबो ने बड़ी ही मासूम स्माइल के साथ कहा, सर मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, सेन ने कहा। व्हाट द हेल, उसने अचानक से इबो का हाथ पकड़ा और उसे उसी सोफा पर पुश कर दिया और वो उसके बिल्कुल ऊपर आ गया और इबो की एक हाथ से कॉलर और एक हाथ से कमर पकड़ते हुए बोला, व्हाट द हेल, तुमने खुद को समझ क्या रखा है, मैंने कहा ना कि आउट ऑफ माई माइंड, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहता, अगर सोचना भी चाहता हूँ तो बिल्कुल प्रोफेशनली, तुम मेरी पर्सनल लाइफ को टच नहीं कर सकते, तुम मुझे बॉदर नहीं कर सकते, तुम मेरा माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इवो के चेहरे पर एक हल्की सी स्मार्क थी, उसने अपना हाथ उठाया और सेन के बालों में ले जाते हुए कहा, एग्जैक्टली मिस्टर सेन, मैं आपको बॉदर नहीं कर सकता, मैं आपको परेशान नहीं कर सकता, ना ही मैं कर रहा हूँ, आप खुद परेशान हो रहे हो क्योंकि आपकी फीलिंग्स क्लियर नहीं है, मेरी है, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, बट आप भाग रहे हो। क्या चाहिए मुझे, क्या जताना चाहते हो, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट है, मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, सेन ने दांत पीसते हुए कहा। हो सकता है, इवो ने कहा। अब सेन ने इवो को सीधा वहाँ से उठाया और एक एडजेसेंट रूम जो उसका प्राइवेट बेडरूम था जहाँ पर वह आराम किया करता था वहाँ पर जाकर पटक दिया। उसने इवो के ऊपर फिर से आते हुए कहा, क्या कहना चाहते हो, मुझे तुम्हारी बॉडी में इंटरेस्ट है। इवो तुमने मुझे इतना चीप समझ रखा है, इवो ने फिर से सेन के गले में हाथ डालते हुए कहा। मिस्टर सेन, चीप तो आप बिल्कुल भी नहीं हो, बट हाँ आप मुझे चाहो ना चाहो मैं आपको बहुत चाहता हूँ, सेन ने कहा। इबो तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़े सपने देखे हैं, तुम उन्हें ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, इबो ने कहा। मैंने भी बहुत सपने देखे हैं पर मैं अपने सपनों से डरकर भागता नहीं हूँ, मुझ में गट्स है अपने सपनों का सामना करने की, और मेरा सपना आप हो मिस्टर सेन, मैं आपको चाहता हूँ, सेन ने कहा। इबो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, इबो ने कहा। मिस्टर सेन, एक बार जो मैंने फैसला कर दिया सो कर दिया, मैं कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, मेरा पहला प्यार, मेरा आइडल आप हो, तब तक तो मुझे लगता था कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट नहीं, मैं आपको चाहता हूँ और बहुत चाहता हूँ, बड़ी शिद्दत से, अगर आप 100 बार भी मुझे रिजेक्ट करेंगे, मैं 101वीं बार फिर से आपके सामने खड़ा होऊंगा, फिर से आपको अप्रोच करूंगा, और मुझे पता है कि आपको कैसे अप्रोच किया जाता है, यू मनी हंग्री का। इससे पहले किसे आगे गाली दे पाता, इबो ने तुरंत उसके लिप्स लॉक कर लिए, उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। यूजुअली ऐसे टाइम पर सेन ऐसे ही अपनी सारी भड़ास निकालता है, सामने वाले बंदे को यूज़ करता है और फिर उसे फेंक देता है, फिर दोबारा उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। बट इबो ने सेन को भड़ास निकालने का मौका ही नहीं दिया, इससे पहले ही इबो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया और वो सेन को किस करने लगा। बट वो यहीं पर नहीं रुका, उसने उस टाइम बहुत कुछ किया, बहुत कुछ मतलब सब कुछ, उसे जितना कुछ पता था, जितनी सारी उसकी फैंटेसीज थी सेन को लेकर, उसने वो सारी की सारी आजमाई। सेन इवो का ये पैशन, ये पागलपन देख पा रहा था, वो पागलपन जो कभी उसकी रगों में दौड़ता था, सेम पैशन इवो के अंदर था। पर सेन अभी भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, वो इवो को अपना नहीं सकता, वो किसी भी पटन में नहीं पड़ना चाहता, किसी को भी अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहता, उसकी कोई कमज़ोरी नहीं है, इसीलिए तो वो इस इंडस्ट्री पर राज कर रहा है, वरना तो उसकी कमज़ोरी पकड़कर
यहाँ के लोग उसका जीना हराम कर देंगे। ये बात सेन बहुत अच्छी तरह से जानता था। अभी जब भी वो थक कर उसकी बाहों में सो गया था, कितना मासूम लग रहा था। पहली बार उसे देखकर सेन का दिल इतने ज़ोरों से धड़क रहा था। इबो बिल्कुल किसी प्रेशियस ग्लास डॉल की तरह लग रहा था, जिसे सेन सबकी नज़रों से छुपा कर रखना चाहता था। बट उसे ये इबो नहीं चाहिए था, उसे वो इबो चाहिए था, आइडल इबो, एक्टर इबो, जिसे सेन पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। उसे इंटरनेशनल सुपरस्टार बनाना चाहता था, जो चाइना को रिप्रेजेंट करे, जो हॉलीवुड तक झंडे गाड़ कर आए। सेन अपने छोटे से दिल और उसके स्वाद के लिए ईवो के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये उनके साथ फन टाइम हो गया जोश में आकर। सेन इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेगा कि दोबारा ऐसा कभी ना हो। ईवो अपना आपा कभी ना खोए, ना ही सेन। सेन वहाँ से चला गया। काफ़ी टाइम बाद ईवो भी नींद से उठ गया। उसने भी अपने कपड़े पहने और बिल्कुल नॉर्मल होकर वो सबके बीच में शामिल हो गया। ईवो इतना नॉर्मल था कि सेन खुद उस पर डाउट करने लगा था कि वो आखिर कर क्या रहा है। उसे तो लग रहा था कि अब ईवो बिल्कुल पपी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ेगा, बट ईवो तो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा था। दोनों के बीच में दोबारा कई दिनों तक बात नहीं हुई। फिर ड्रामा ख़त्म हुआ, पीआर स्टंट हुआ, ईवो के रूमर्स फैलने लगे। बट मिस्ताओ बहुत छोटी थी, ईवो उसे स्पॉइल करना नहीं चाहता था। तो जाहिर सी बात है, ईवो ने अपने बाकी प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान देना शुरू किया, जो कि ऑब्वियसली मिस्टर सेन ही स्पॉन्सर कर रहे थे। ईवो का फिर से एक नया ड्रामा एयर होने लगा, स्टार्ट हो गया। ईवो उस काम में बिल्कुल ही बिजी हो गया। इधर सेन वो ईवो के साथ बिताए टाइम को काफ़ी मिस कर रहा था। ईवो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह काम करता रहता, यहाँ तक कि वो खुद की भी फिक्र नहीं करता, बहुत ज़्यादा पैशनली काम करता रहता। उसकी ये क्वालिटी सेन को बहुत अच्छी लगती। उसे बार बार मन करता कि वो ईवो को अप्रोच करे, उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे, उससे बातें करे, लेकिन वो डरता था कहीं वो अपने दिल के हाथों हार ना जाए। उसने बड़ी मुश्किल से सेल्फ रिस्ट्रेन किया था, बट ईवो है कि उस पर लगातार वार किया जा रहा था। दोनों भी बिल्कुल कैजुअली बातें करते, जैसे एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच में होनी चाहिए। सबके सामने किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि सेन के दिल में कितनी उथल पुथल चल रही है। बिल्कुल ईवो के दिल के जैसे दोनों भी अपना ये रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहते थे। वो उसके बाद कई बार मिले, सोना भी गए, साथ में कई सारे स्टफ़ किए, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि आजकल ना सेन को किसी और में इंटरेस्ट था, ना ही ईवो को। ईवो तो पहले से ही सेन के लिए पागल था। अगर सेन ना हो तो ईवो कभी भी कुछ भी फील नहीं करता था, पर सेन के लिए ऐसा नहीं था। वो सोना में भी जा सकता था, वो बहुत सारी चीज़ें पहले की तरह करने की कोशिश करता था, पर आजकल उसके लिए सब कुछ मुश्किल होता जा रहा था। कहते हैं ना, दिल पर किसी का बस नहीं होता। सेन ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन करने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं हुआ। वो धीरे धीरे इस पीच ब्लैक अंधेरे में अंदर चलता ही चला गया, जिसे वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे करके ईवो के प्यार में पूरी तरह से पागल होता गया। हद तो तब हो गई जब ईवो ने सबको ये खबर दी कि उसने एक रेंटल अपार्टमेंट लिया है, वो शिफ्ट हो रहा है उसी सोसाइटी में जहाँ पर सेन रहता है। इनफैक्ट ईवो सेन के ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहने के लिए चला गया था। अभी तो उसने वो जगह रेंट पर ली थी, क्योंकि वो बहुत ही हाई सोसाइटी थी। ईवो अभी भी फाइनेंशियली
इतना इंडिपेंडेंट नहीं बना था कि वो उसे अफोर्ड कर पाए, तो रेंटल ही सही, बट इबो एक तरह से सेन का पड़ोसी बन गया था। पूरी दुनिया के लिए इबो एक ऐसा स्टार था जिसका गॉडफादर मिस्टर सेन था, पर किसी को क्या पता था कि इबो सिर्फ सेन का बनाया हुआ स्टार नहीं है, उसका पार्टनर भी है, उसके साथ रूम शेयर करता है, उसके साथ ही रहता है, उसका अपार्टमेंट बस नाम के लिए है, जिसे इबो ने अब तक जाकर देखा भी नहीं है। वो सेन के साथ ही रह रहा है, बिल्कुल सीक्रेट रिलेशनशिप में, बट वो इस रिलेशनशिप को कभी भी पब्लिक नहीं कर सकते, कभी पब्लिक में हाथ नहीं पकड़ सकते, कभी हंसी मजाक नहीं कर सकते। उनके रिलेशनशिप के कुछ गोल्स हैं, वो दोनों एम्बिशियस हैं, फोकस्ड हैं, शादी जैसी मॉर्टल चीज़ों में बिलीव करके उसके पीछे वो पागल नहीं हो सकते। उनके लिए तो उनकी शादी हो चुकी है, वो साथ रह रहे हैं और यही उनके लिए काफ़ी है। बट कहते हैं ना, मुट्ठी से चांद नहीं छुपता। उनके रिलेशनशिप के बारे में लोगों में अफवाहें उठने लगी, जो कि कुछ हद तक सही भी था। लोग इवो को ऑब्जर्व करते रह रहे थे कि शुरू से इवो की लाइफस्टाइल काफ़ी लैविश रही है, जबकि वो बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है। उसके पास शुरू से जिम का गोल्डन मेंबरशिप था, कैसे जब तक कि उसे कोई गॉडफादर नहीं मिलता, उसके पास इतना सब कुछ आ ही नहीं सकता। इवो असिस्टेंट डायरेक्टर बनने से पहले ही उसके कपड़े, उसके बैग्स, उसके शूज़, सब चीज़ों में लग्जरी झलकती थी। ज़रूर उसे कोई स्पॉन्सर कर रहा होगा या कोई शुगर डैडी होगा जो इवो के लिए ये सब कर रहा है। जितने लोग उतनी बातें उतने रूमर्स, ये सारे रूमर्स को बंद करने का एक ही तरीका था, इबो की शादी। सब लोग जानते थे सेन बहुत एम्बिशियस है, वो कभी शादी नहीं करेगा, तो उसकी शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऊपर से सेन अपने लिए हड़क नहीं चाहता था, तो शादी करने की जिम्मेदारी इबो की थी। ऐसे ही एक पार्टी में सेन को एक लड़की दिखी जो भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, बिल्कुल इबो की तरह। उसे लेडी इबो कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उस लड़के ने सेन के पास आते ही उसके साथ बातें करना शुरू किया, उसे इम्प्रेस करना शुरू किया। सेन ने उसे सीधा पूछ लिया कि तुम शादी करना चाहोगी? व्हाट? उस लड़की ने कहा। वैसे तो उसे लग नहीं रहा था कि मिस्टर सेन ऐसे भी बात कर सकते हैं, उसे पता था ये बंदा कभी शादी नहीं करेगा, तो वो कंफ्यूज हो गई। सेन ने कहा, मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए एक फिल्म बना दूँ। ओ वाओ, थैंक यू सर, उस लड़की ने तुरंत कहा। सेन ने कहा, बट इन रिटर्न तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? जो भी आप कहो सर, उस लड़की ने सेन से चिपकते हुए कहा। सेन ने कहा, क्या कर रही हो? उस लड़की ने कहा, जो आप चाहो सर, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। सेन ने कहा, क्या तुम शादी कर सकती हो? अब वो लड़की बिल्कुल सीरियस हो गई और सेन की तरफ देखने लगी, जैसे उसके बातों की सच्चाई वो जानना चाहती हो। सेन ने फिर से पूछा, क्या तुम अपने सपने पूरे करने के लिए शादी कर सकती हो? एक फेक मैरिज, एक जो तुम्हें लाइफ टाइम के लिए निभाना होगा? व्हाट? उस लड़की ने सेन की तरफ देखते हुए पूछा। सेन ने कहा, यू सीम एम्बिशियस, मुझे लगता है तुम्हें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने सपने लगते हैं, जिन्हें पूरे करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मेरी दोस्त बन जाओ, मेरे सर्कल में शामिल हो जाओ, लेकिन इन रिटर्न मुझे शादी चाहिए, क्या तुम ये अफोर्ड कर सकती हो? उस लड़की ने कुछ सोचने के बाद कहा, यस सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब सेन के चेहरे पर स्मक थी, उसने कहा, ठीक है, कल मुझे ऑफिस में आकर मिलना। वो लड़की, जैसा कि सेन ने कहा था, दूसरे ही दिन उसके ऑफिस में आई, और अब सेन उसे उसके
नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में समझाने लगा। वो लड़की भी बड़े ध्यान से सारी चीज़ें सुन रही थी। दूसरी तरफ ईवो, जो सेन के बेडरूम में रेस्ट कर रहा था, वो भी बाहर की बातें सुनकर क्यूरियस हो गया। अभी उसके बाहर आने का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन सेन और उस लड़की की बातें चलती ही जा रही थी काफ़ी देर तक। दूसरी तरफ ईवो के शूट का भी टाइम हो रहा था, तो वो इसलिए भी परेशान होने लगा। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, बाहर आओ। ईवो ये मैसेज देखकर चौंक गया, पर उसे सेन पर भरोसा था, तो वो फटाफट से तैयार हुआ और बाहर आया। तब आया, वहाँ पर एक लड़की है, एक हॉट चिक, सेन के शब्दों में। ईवो के आते ही सेन ने उसे बैठने के लिए कहा। ईवो कंफ्यूज होकर बैठ गया, तो सेन ने बड़ी ही मासूम स्माइल के साथ कहा, इसे मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया है, ये तुमसे शादी करेगी। ईवो इस बात पर बहुत बुरी तरह से चौंक कर गया। तो सेन तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने पानी लिया और ईवो के सामने पकड़ा, उसकी पीठ सहलाने लगा। ये जेस्चर ईवो को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, वो भी एक थर्ड पर्सन के सामने। सेन ऐसे तो कभी उसका हाथ नहीं पकड़ता, उसे अपने करीब नहीं रखता। उनका रिलेशनशिप पिछले 5 साल से चल रहा है, बट सबसे चुप के। ईवो ने कहा, क्यों, क्या ज़रूरत है? सेन ने कहा, ईवो तुम इंडस्ट्री के गॉसिप्स को तो जानते ही हो, तो हमें सबके मुंह बंद करने पड़ेंगे, और ये लड़की इस मैरिज को कॉन्फिडेंशियल रखेगी लाइफ टाइम के लिए। तुम दोनों को बस सेरेमनी करनी है जैसे कि शूट करते हो, उसके बाद तो ये अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। मैं इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दूँगा, सक्सेसफुल हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ईवो ने कहा, पर हम दोनों रहेंगे कहाँ? सेन ने कहा, ये तुम्हारे अपार्टमेंट में आकर रहेगी और तुम मेरे। अब ईवो को सब कुछ क्लियर हो रहा था, तो उसने भी अपनी अनुमति जताई और फिर बड़े धूमधाम से बिल्कुल वीडियो शूटिंग की तरह ईवो की शादी हुई उसी लड़की के साथ, जिसके बाद सेन ने उस लड़की का भी करियर बना दिया। कुछ 3-4 सालों बाद ईवो को ऐसा लगने लगा कि वो बहुत अकेला है। हालांकि उसका करियर बहुत अच्छे से है, उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, बट उसे अपनी लाइफ में कुछ तो और चाहिए था। एक फैमिली चाहिए थी, कंप्लीट फैमिली, जो उसके बेबी के साथ ही कंप्लीट होगी, जिसके लिए सरोगसी सबसे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि उसे नहीं लगता उसकी वाइफ मिस जेन उनके लिए बेबी पैदा करेगी, तो वो किसी और को सरोगेट मदर बना देंगे। ईवो ये सब सोच ही रहा था। वैसे उनके शेड्यूल्स की वजह से ये पॉसिबल तो नहीं था, क्योंकि एक बेबी को बहुत सारी केयर, बहुत सारे प्यार की ज़रूरत होती है, और अभी ना तो सेन के पास टाइम था ना ही ईवो के पास, दोनों अपने करियर के होड़ में थे, और ना ही मिस जेन के पास। तो अभी तो बेबी करने का प्लान ड्रॉप करना होगा, ये ईवो भारी मन से सोच रहा था। बट एक दिन नींद में ही उसने बस कह दिया, बेबी, और ये बात सेन ने सुन ली। अगले दिन से सेन अपने अलग मिशन पर लग गया, अब उसे भी बेबी चाहिए था और ईवो से ही। तो उसने नेक्स्ट टाइम एक बहुत ही बेहतरीन नाइट का इंतज़ाम किया और ईवो को प्रपोज़ किया। ईवो ने जब वो केस खोला, जिसमें उसके हिसाब से तो रिंग होनी चाहिए थी, वैसे इस बात का कोई सेंस तो नहीं बनता, ईवो लीगली मैरिड था और इलीगली सेन का बॉयफ्रेंड था, तो अब जाके प्रपोज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता। बट फिर भी ईवो को अच्छा लगेगा अगर सेन उसे प्रपोज़ कर रहा है तो। वैसे सेन ने पहले काफ़ी बार हिंट्स दिए थे कि वो ईवो को वो सारी खुशियाँ देना चाहता है जो ईवो डिज़र्व करता है, बट सेन की खुशियों का मीटर, पैरामीटर तो अलग ही लेवल का था। वो ईवो के लिए
बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लाता था, वो उसे अलग अलग कंट्रीज़ घुमाता था, अलग अलग फैशन शोज, फैशन ब्रांड्स लाता था। इबो का ही ये ड्रीम था, लेकिन फिर भी इबो अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी उतनी ही शिद्दत से जीना चाहता था। तो अभी इतनी स्पेशल नाइट है और सेन उसके सामने एक बॉक्स लेकर खड़ा है, तो इबो ने हल्के से अपना बाथरूम अपने कंधे से नीचे सरकाया। उसे पता था ये सेन की कमज़ोरी है, और सेन जब उसे घुटनों पर बैठ के प्रपोज कर ही रहा है तो क्यों ना इबो थोड़ा सा सेडक्शन गेम खेले। उसने अपनी पर्ल की ज्वेलरी को अपने दांतों तले छुपाया और हल्के से सेन के हाथ से वो बॉक्स लिया। इधर सेन तुरंत इबो के सामने खड़ा हुआ, एक हाथ से उसे बाहों में लिया और उसके साथ साथ उस बॉक्स की तरफ देखने लगा। उस बॉक्स को जैसे ही इबो ने खोला तो उसके अंदर एक पेंडेंट था जिसमें कुछ तो लिखा था। उस रेड लाइट में ठीक से इबो पढ़ नहीं पा रहा था, बट जैसे ही इबो ने उन वर्ड्स को फिगर आउट किया वो तो शॉक हो गया। लेट्स गेट प्रेग्नेंट, व्हाट? इबो ने सेन की तरफ देखा तो सेन ने इबो को कमर से पकड़कर बाहों में लेते हुए कहा, यस बेब, लेट्स गेट प्रेग्नेंट। उसने इबो को सीधा उठाकर बेड पर पटक दिया और तुरंत उसके ऊपर आ गया। वो इबो को टीज करने लगा। इबो एक पल के लिए हंस रहा था, सेन को अपनी तरफ खींच रहा था, खुद को प्लेजर कर रहा था। सेन ने भी इबो को आज बहुत ज़्यादा टीज किया, बहुत ज़्यादा प्लेजर किया। फिर जब दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में सोए तो इबो ने कहा, क्या मतलब था इसका? सेन ने कहा, व्हाट? इबो ने कहा, आई एम अ मैन, आई कांट बी प्रेग्नेंट। सेन ने कहा, लेकिन हम प्रोसेस तो फॉलो कर सकते हैं, क्या पता रिजल्ट आ भी जाए। इबो ने कहा, डोंट स्पीक रबिश, पॉइंट पे आओ। सेन ने कहा, आई थॉट तुम्हें बेबी चाहिए था। इबो ने कहा, यस बट हम दोनों बहुत बिजी हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सेन ने कहा, व्हाई नॉट, चलो प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं, तो हो सकता है कभी हमें बेबी भी मिल जाए। इबो ने कहा, आर यू सीरियस? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सेन उसके लिए बेबी प्लान कर सकता है, वो दोनों अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उन दोनों के पास टाइम ही नहीं है। फिर भी ओके, अगर सेन कह रहा है तो चलो उस पर ट्रस्ट करते हैं। बस इतना ही इबो ने सोचा। उन दोनों ने लगातार पूरे 6 से 7 महीने तक बहुत मेहनत की, ओके सच में मेहनत की बहुत ज़्यादा। इबो एंड तक तो फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने एक बार सेन को रोकते हुए कहा, सेन आप ये क्या कर रहे हो? आई एम अ मैन, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। सेन ने कहा, ओ लेकिन आई थिंक अभी तुम्हें 6th month चल रहा होगा। इवो ने कहा, व्हाट? सेन ने कहा, हाँ जब से मैंने तुम्हें प्रपोज किया है अभी 6th month चल रहा है। इवो इस बात पर पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, लेकिन उनका यह सिलसिला पूरे 3 महीने तक कंटिन्यू रहा। और फिर टाइम आया जब सेन ने इवो को प्रपोज किया था, उसे पूरे 9 महीने बीत गए थे, और आज फिर से इबो सेन का इंतज़ार कर रहा था पूरी तरह से रेडी होके। और सेन आया भी, लेकिन आज वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। इबो सेन को ऐसे देखकर बिल्कुल चौंक गया था। सेन बिल्कुल जेंटलमैन बनकर आया था, उसने कोई भी हैंकी फैंकी कपड़े नहीं पहने थे। इबो ने अब खुद को सही किया, मतलब जो भी बाथरूम उसने पहना था वो सही किया, और वो सेन से बात करने के लिए आगे बढ़ा तो पाया सेन के हाथ में एक बास्केट है जिसमें ब्लैंकेट जैसी चीज़ डली हुई है, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं। इवो एक्चुअली इस बात पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि सेन कैजुअल्स में बहुत ही ब्रेड टकिंग लग रहा था। इधर वो बास्केट
वहीं पर नीचे रख दिया गया और सीएन एंड रिबो अपने एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा मशगूल हो गए, इतने कि वो थककर सो गया। अब सीएन जब उसके लॉक्स ठीक कर रहा था, उसके माथे पर हाथ फिरा रहा था, रिबो की नींद खुली। उसने बड़े प्यार से सीएन की तरफ देखा, तभी आवाज़ हुई, यू। इस बात पर रिबो चौंक गया और उसने चौंक कर सीएन की तरफ देखा। सीएन ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिबो ने कहा, व्हाट? सीएन ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं पापा बन गया हूँ और तुम मम्मा। रिबो ने कहा, व्हाट द, क्या मतलब है? सीएन ने कहा, हमें बेबी हुआ है जैसा कि तुम जानते हो, क्या तुम अपनी प्रिंसेस से मिलना नहीं चाहोगे? रिबो ने कहा, व्हाट? अब सीएन वो बास्केट लेकर आया, उसने रिबो के सामने पकड़ा और उसे उस पर से वो ब्लैंकेट हटाया, वो गुलाब की पंखुड़ियाँ हटाई जिसके अंदर एक बहुत ही प्यारा किटन था। रिबो ने उस किटन को देखा, फिर सीएन को। वो सोच रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, तभी सीएन ने कहा, ये नट है, क्या तुम इसे अडॉप्ट करना चाहोगे? रिबो ने कहा, एब्सोल्युटली यस, बट ये आप ये शुरू से प्लान कर रहे थे ना? इस बात पर सीएन मुस्कुरा दिया, उसने कहा, अब तो हमारी फैमिली कंप्लीट है ना? हाँ, रिबो ने सीएन की आंखों में देखते हुए कहा, इनफैक्ट उसकी आंखें नम हो चुकी थी, जिन पर होंठ रखते हुए सीएन ने कहा, रिबो रिबो, तुम उसे हर चीज़ खुलकर कह सकते हो। रिबो बिल्कुल इमोशनल होता हुआ सीएन के गले लगा तो सीएन उसके पीठ पर थपथपाने लगा। उसने कहा, आई होप कि अब तुम्हारी कोई कंप्लेंट ना हो। रिबो ने सर हिलाकर मना कर दिया। आज नट को घर में लाए हुए पूरा एक महीना हो गया था। सीएन और रिबो के घर में एक पार्टी थी, उनकी प्रिंसेस का बर्थडे था, तो उन्होंने अपने बहुत ही क्लोज और कॉन्फिडेंशियल लोगों को बुलाया था, मिस मैरी, मिस जेन, उसकी गर्लफ्रेंड और दो तीन लोग और थे। रिबो बहुत ही ज़्यादा खुश था और सीएन बस उसकी खुशी देख रहा था। रिबो तो गेस्ट के साथ बिजी था और सीएन बस चुपचाप एक तरफ खड़ा, अपने हाथ में वाइन का ग्लास लिए रिबो की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी आयुंगा उसके पास आया और बोला, ये चीज़ मैंने भी तुम्हें ऑफ़र की थी बट तुमने एक्सेप्ट ही नहीं की। सीएन ने कहा, क्या करता, ही लव्स डोमेस्टिक शिट। सीएन, तुम उसके लिए पूरे पागल हो चुके हो। हो सकता है, सीएन ने स्माइल करते हुए कहा। आयुंगा भी समझ गया, उसकी और सीएन की केमिस्ट्री कभी भी इतनी जेन्युइन थी ही नहीं। सीएन रिबो के लिए कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी, और सेम पैशन रिबो के अंदर भी है, वो इंटरनेशनली सक्सेसफुल है, सीएन की भी कंपनी बहुत बड़ी बन गई है। फिर भी दोनों आपस में अपना पर्सनल टाइम भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, सच कहते हैं। एज मैटर नहीं करती, मैच्योरिटी मैटर करती है, जो रिबो और सीएन के अंदर है। उन दोनों का बॉन्ड सच में अनब्रेकेबल है, चाहे वो पूरी दुनिया के सामने चिक चिक कर ये बता ना पाए कि वो दोनों साथ में रहते हैं, बट उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड जो है उन्हें तो पता है कि सीएन और रिबो बस एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बस यही चीज़ मैटर करती है। अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो इतने पावरफुल बन जाओ कि रियलिटी आपके सामने बेंड हो जाए। दैट्स इट फॉर टुडे, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी, अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आपको लगे कि ये कहानी स्टीरियोटाइप नहीं है कि दोनों हस्बैंड वाइफ बन के एक साथ रह रहे हैं, उनके बेबीज हो रहे हैं। ये कहानी कहीं ना कहीं रियलिटी चेक की तरह है, हमारे सोसाइटी का एक फेस है जहाँ पर लोग आज भी खुलकर अपने स्पाउस के बारे में नहीं बता सकते, अपनी जेंडर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
अपने अपने रीजंस होते हैं। जहाँ पर सेन और ईवो का रीज़न था कि उन्हें अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करना था, सेन फ्री रहना चाहता था, अपने लिए कोई भी कमज़ोरी नहीं रखना चाहता था, खासकर उसके राइवल्स के लिए, तो उसने उन चीज़ों का ख्याल रखा, ईवो को अपना सीक्रेट लवर रखा। प्यार तो इनका भी लॉयल है, जेन्युइन है, उम्र और रिश्ते से परे। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।